Paramatmane Namaha. Lokabhiram Ranaranga Rajiva Netram Raghuvanshanatham Karunya Rupam Karuna Karantam Shri Ramachandram Sharanam Prapadye Mano Jitendriyam buddhimatam varishtam
Shri Ram Sharanam Prapadye Boliye Shri Ram Chandra Bhagavan Ki Jai Pavan Suta Hanuman Ki Jai Umapati Mahadeva Ki Jai Shri Dwarika Hare Ram Hare
सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो सज्जनों मुस्कुराइए, रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित इस परम पावन राम कथा ज्ञान यज्ञ में आज इस कथा यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। यहां पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम। हम लोग विगत 8 दिनों से विशेषतः जिस विषय पर विचार कर रहे हैं उस परमहंस तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के द्वारा दिया गया ये हमारा अंतिम उपाय होगा। इसलिए मन को शांत करते हुए, मुस्कुराते हुए आइए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने विचार किया कि परमहंस के इस मार्ग पर कैसे चला जाए। तो बोले तापस शमदम दया निधाना, इन गुणों को अपना पाथेय बनाकर आपको इस यात्रा के लिए अग्रसर होना है। कौन है परमहंस, ये कैसे होते हैं? तो श्रीमद् भागवत महाभारत और रामचरितमानस के दो परमहंस श्री भरतलाल जी और श्री हनुमान जी महाराज का हम परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, उनके करीब जाने की ये हमारी एक कोशिश। ये आप मत तय कीजिए कि परमहंस तत्व के किस आश्रय से हमारी ये यात्रा आरंभ हो सकती है। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अति प्रसिद्ध और समस्त सत्कर्मों में सदा रत रहने वाले परम सम्माननीय श्री मंगला माता जी भी इस समय हमारी इस कथा यात्रा में कुछ क्षण के लिए हमारे इस ज्ञान यज्ञ के किनारे पर पहुंचे हैं। आपका
स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप आए। रामकृष्ण मिशन जैसा प्रांगण हो, परमहंस की चर्चा हो, तो ये हमारे लिए एक अति उत्तम अवसर होगा। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरिजी महाराज से हमने आपके विषय में परिचय प्राप्त किया पीयूष, तो एक क्षण के लिए तो जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम। कृष्ण हरि राम, 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 कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम, 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 कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम, 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 कृष्ण। तो आइए कथा यात्रा एक गंगा होती है और गंगा के अनेकों घाट होते हैं, तो गंगा का घाट इस पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र तो क्या, नॉर्थ ईस्ट तक आपकी सेवा, आपके सेवा यज्ञ अनवरत चल रहे हैं। ऐसी परम सम्माननीय, परम श्रद्धेया मंगला माता जी भी आज हमारी इस परमहंस यात्रा में कुछ क्षणों के लिए साथ देने, सेवा के रामकृष्ण मिशन द्वारा ये चल रहे इस पावन सेवा यज्ञ में एक अपनी ओर से आहुति देने के लिए आपका यहां पर पदार्पण हुआ। हम आपका
स्वागत करते हैं और थोड़ा एक व्यवहार, तो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर विनोद जी हमें आगे लेकर चलेंगे, पुनः फिर कथा यात्रा में आरंभ करेंगे। परमहंस की इस यात्रा में आज 9 दिन कैसे निकल गए, मुझे लगता है कि ये सभी के लिए एक सूक्ष्म सा पल होगा। आज इस सेवा यात्रा में हंस फाउंडेशन की परम अध्यक्ष आदरणीय मंगला माता जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। मैं सेवा आश्रम की टीम और मिनी दीदी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें, आश्रम की ओर से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। सेवा क्या होती है उसका साक्षात रूप मैंने खुद पहाड़ों में हंस फाउंडेशन की जो वैन चलती है उसके माध्यम से देखा है। हमारे एम्स के जो चिकित्सक हैं उसमें कार्य भी करते हैं और माताजी के साथ में जो सेवा यात्रा है उसमें उनका सहयोग भी रहता है। अब जो यहाँ पर जो यात्रा चल रही है उस यात्रा में आगे की कड़ी के लिए मैं स्वामी ललितानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने चंद शब्द कहें। स्वामी ललितानंद जी महाराज। नीलाम बुजश्याम अलको मलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी पतित पावनी माता भागरथी के तट पे रामकृष्ण मिशन संस्था के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन, उस राम कथा के प्रवक्ता परम विद्वान हमारे गुरु भाई आचार्य श्री रामानुज जी और इस संस्था के सचिव महोदय एवं सभी पूज्य संत चरण, संगीत मंडल और आज के समारोह समापन के कथा का आज
समापन है। इसके मुख्य यजमान को या मुख्य अतिथि को विश्व विख्यात आध्यात्मिक शक्ति, जो हमारे देवभूमि के गौरव नहीं, हमारे भारत के गौरव नहीं, पूरे विश्व की मानव जाति के गौरव, ऐसे हमारी पूज्य माता मंगला जी, जो हंस फाउंडेशन की संस्थापिका हैं, श्री भोले जी महाराज, माता मंगला जी। हमने माता जी से आग्रह किया, अभी कुछ ही दिन पहले माता जी विदेश यात्रा से आए, देश विदेश में, इस देश में तो चलता ही है, विदेशों में भी आपका बहुत कार्य चलता है, गूगल के माध्यम से सबको पता लगता है। मैं अगर बताना चाहूँ तो 9 दिन तक रामानुज जी ने कथा की, 9 दिन शायद मेरे को भी बताने में लग जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। और समय की मर्यादा को देखते हुए हम आप सबका नाम भी नहीं ले सके, जिनका मैंने नाम लिया मेरे होंठों पे आए, और आप सबका मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि आप सब मेरे हृदय रूपी कमंडल में समाए। तो मैं खुशी में वैसे ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, माता जी के आने से मैं इतना गदगद हूँ, तो मैंने बहुत कुछ बोलना था, लेकिन माता जी के आने के बाद मैं सब कुछ भूल गया, क्योंकि माता जी स्वयं माता पार्वती स्वरूप है। मैंने आज इनको फोन पे भी कहा, कल भी कहा, मैं कहा आप अपने मायके आ रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे पे, यह आपका मायका है, दक्षेश्वर भगवान की ये नगरी है, आप अपने घर में आ रहे हैं। तो माता जी बहुत खुश हुई, और मेरे आग्रह को जहाँ तक होता है माता जी कभी भी जो है उसको मना नहीं करते, मेरे आग्रह को जो है हमेशा मानते हैं। हमारा आत्मा परमात्मा का जैसे मिलन है, इसी तरह से हमारा भी माता जी से, उनके हंस परिवार से हमारा बहुत गहरा गंगा जमुना की तरह संबंध है। तो माता जी का देश विदेशों में बहुत कार्य चलता है, और सरकार भी माता जी के द्वार पे जाती है सहयोग लेने के लिए, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव साक्षात माता जी को लक्ष्मी का स्वरूप बोलते थे, आचार्य जी भी हमारे जो है लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानते हैं, ऐसा हमें अनुभव भी हुआ है। आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट जो है कृपा है, और भगवान ने आपको पात्र समझा, जो पात्र होता है भगवान की कृपा भी उसी के ऊपर होती है। कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति, आप पात्र हैं, इसलिए भगवान ने आप पे कृपा बना के जो है रखी हुई है। मैं माता जी से जरा आग्रह करूँगा, माता जी के सहयोग में जो भी कोई हो यहाँ पे बहन जी आ जाएं, माता जी के साथ जो आई हैं, माता जी के साथ जो बहन जी आई हैं, कोई साथ में आए हो ना, हैं देव की आई हुई, देव की ऊपर आ जाए, ऊपर आओ, इधर से आ जाओ माता जी के पीछे। माता जी कुछ संतों का सम्मान करेंगे, हमारे सेक्रेटरी साहब का सम्मान करेंगे, और हमारे महाराज जी का भी सम्मान करेंगे, आओ। और जो हमारे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दया पिता नंदी जी महाराज, वो हमारे बाहर गए हैं किसी कारणवश से, हमारे सचिव जो संस्था के सचिव हैं, हमारे संस्था के जो सचिव हैं उनका स्वागत है, माता श्री जो है स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का, माननीय मंगला माता जी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अनद्यानंद जी का भी जो है जो व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहता है, समय की मर्यादा को देखते हुए बाकी जो कुछ 2-4 बचे हैं उनका मैं बाद में जो है अपने ढंग से कर दूंगा। हाँ बाद में, अच्छा
आदरणीय मंगला माता जी, मैं अब निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मंगला माता जी से कि अपने पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी महाराज जी से कि कुछ चंद शब्द कहें। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वी आर अप्रोचिंग द कंक्लूडिंग डे ऑफ दिस राम कथा हूज हीरो आवर Acharya Ramanuj Ji, Swami Kalyananda Giri Ji Maharaj, our Mata Mangala Ji, Swami Umeshwaran Ji, and my other brother monks, devotees, admirers of Ramakrishna Vivekananda and Sarada Devi. I wanted to take this opportunity of her presence here and tell a little about the seva that's been on for all these years. We have been, this hospital was established 121 years ago without a break. There had been a continuous mode of service for sadhus as well as the public. We had been working with shoulder to shoulder with the government at times of calamity, like a pandemic, like COVID also. Our whole hospital was pressed into service for the COVID patients. Our Swamijis were untiringly working in that COVID period. We are now expanding our services into super specialty areas also. We have very recently revived our ophthalmology services, dental services, which have become a very advanced dental service in Haridwar. Similarly, we want to open up an MRI unit here, which is a very badly felt need of Haridwar, because we do not have a functional MRI unit in Haridwar. We have been approaching sponsors. It's a huge and expensive project, but as always, Ramakrishna Mission will provide its services at an affordable cost to the patients. For instance, if a test costs you 10,000 rupees outside, you will be provided at say 7,000 or 8,000 rupees or whatever, possible concessions and with very, very nominal charges. One more area where we felt the necessity was cardiology. In this direction, we have first taken a first step, a baby step, I should say, of inviting an admirer and a initiated disciple of Ramakrishna Mission, who had been working in America for all these years, about 40 years he had been working there, Dr. Sushil Sharma, and his wife, Dr. Pratibha Sharma. Both have wound up their services in America and have settled here. They have been with us for the past month, and they will continue to be with us for another 3-4 months. Go out, come back again. This will be their base of operation.
We have already started the cardiology services to whatever extent possible. But to start a full-fledged cardiology service, we need some support, financial support. Initially, we will go with non-invasive cardiology, which means having an echo machine and a treadmill and things like that, which the doctor will only test and diagnose the patient. Immediate intervention will not be done. First, initial management will be done here. And then for the invasive part, right now we have AIMS, where our doctor, we know this, come from. So we will be sending the patients there. We are in the process of signing an MOU with AIMS for all these type of services, special services. And a later part, we will go for the invasive cardiology services also. So these are some of the programs that we have been planning and doing. In the meantime, Ramakrishna Mission Hospital here, the Sevashrama, had always been known as a Bengali hospital. Everybody knows this as a Bengali hospital. Somehow it has got a community tag with it. Ramakrishna's name will come up definitely with opening up these new services and new super specialty services. And also, the main aim of arranging a program like this Ram Katha is to bring in people to, we have a beautiful temple here, the ashrama premises, the ashram environment, the Ganga Ghat, we have a Goshala, we have all these facilities. We want the people to use these facilities, come here daily as to the extent possible, participate in all the programs that are being conducted, spiritual oriented programs that are conducted by the Ramakrishna Mission. The first step is being blessed by our Acharya Ramanuj Ji. We have plans, we have a discussing, only today morning we were discussing about our future plans and further plans, like regularly and periodically we will be having such spiritual oriented programs. Ramakrishna Mission had always been promoting spirituality, not religion, not the popular religion. We had always been promoting the spirituality, which we are now opening up the gates. We welcome you all to come and participate and take the benefit out of this. Thank you. Dhanyavad, Swamiji. Ramakrishna Mission is doing wonderful work in the field of patient care. मैं बस जो महाराज जी ने जो बोला बस दो शब्दों में कहूँगा कि सेवा की यात्रा और सेवा के यज्ञ में अगर माता जी की ओर से भी थोड़ा सा एक आहुति हो जाए जिसके लिए स्वामी जी बोल रहे थे तो बस उसके आग्रह के लिए मैं माता जी के चरणों में नमन करता हूँ और माता जी से निवेदन करता हूँ कि अपने एक चंद शब्द कहकर इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ाएं। आज हम लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए सेवा और संतों की शरण में देखते हुए बहुत ही अद्भुत लग रहा है आश्चर्य लग रहा है कि आज के इस युग में भी हरि चर्चा और हरि अनंत की बात हम सब सुन रहे हैं आज हमारे सम्मुख व्यास गद्दी में महाराज श्री आचार्य रामानुज जी और हमारे सभी संत महात्मा हमारे बीच में स्वामी विशेश्वरानंद जी जो सचिव हैं रामकृष्ण मिशन के हमारे बीच में स्वामी ललितानंद जी जो हमेशा से सबके अंदर जागृति पैदा करते रहते हैं
और जब उनका मैं व्यस्त थी, हमारे एक आश्रम में शादी थी, तो कल रात ही उसका समापन हुआ, तो स्वामी जी ने कहा आपको आना है, अभी मेरे आश्रम में लोग बैठे हैं विदाई के लिए। और मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। जब मैंने अपने आचार्य रामानुज जी का नाम सुना, सचिव जी का नाम सुना, रामकृष्ण परमहंस के समय का ये रामकृष्ण मिशन का जो एक स्थान बना हुआ है, उत्तम स्थान, उनके बारे में सुना, तो मैं अपने को रोक नहीं पाई। ये सत्संग और सेवा की अविरल धारा है। जैसे हम माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, माँ गंगा किस तरह कठिनाइयों से, पत्थरों से जूझती हुई पहाड़ों से निकलती है और हरिद्वार में बड़ी शांत रूप से हमें दिखती है और असंख्य लोगों के पापों को धोने का काम करती है, लेकिन फिर भी वो अविरल है, पावन है, पवित्र है। ऐसे हमारे संत भी हैं। ये जो आज राम कथा हो रही है, इसके द्वारा बहुत से लोगों को कोई ना कोई वचन सुनने को मिलेगा और कोई ना कोई विचार हमारे हृदय को जागृत करते हैं। मैं सबसे पहले संतों को नमन हमेशा करती हूँ, क्योंकि जिन संतों के कारण हमारे शास्त्रों में इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं समाज के उत्थान के लिए, कि अगर हमारे पास वो संत ना होते तो हम लोग आज कली काल में कितने प्रभावित होते। कली काल में तो सब कुछ को, सबको ही भरम हुआ, बड़े बड़े लोगों को भरम हुआ, लेकिन संतों की शरण में आने से वो भरम दूर हुए और अस्तित्व की तरफ एक स्थायी रूप से हम अपने मन को लगा सके। हमारे बीच में डॉक्टर विनोद, जो मुझे मथुरा में मिले थे, मथुरा में एक हॉस्पिटल का विवेकानंद मिशन के साथ हम लोग बना रहे हैं। बहुत से भक्त लोग जब इलाज जाते थे दर्शनों के लिए, तो बहुत वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हार्ट अटैक भी होते हैं, और कोई भी स्वस्थता नहीं थी। तो विवेकानंद मिशन के साथ हंस फाउंडेशन मिलके 13वां हॉस्पिटल बना रहा है। अभी मैं सचिव जी की बात सुन रही थी, बहुत इम्प्रेसिव शब्द में उन्होंने व्याख्या करी, और सच में संत बड़े परमार्थी होते हैं। वो एक माता पिता की तरह से भी, उनसे भी, माता पिता से भी ऊपर हमारे संत हैं, जो चोट तो रखते हैं लेकिन घड़े में अपने अंदर उसका हाथ भी रखते हैं और उसके ऊपर एक चोट ऐसी लगाते हैं जिससे हम तन मन से समझ जाए। तो आज ये जो संतों की वाणी है, बड़ी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। ये आज दर्शनों का समय है, हमारे संत यहाँ पे बैठे हैं, और सच में इतना परमार्थ का काम जो 101 वर्षों से, मैं पहले हमारी माताजी हरिद्वार में रहती थी, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन वो हमेशा कहती थी, अरे जिस तरह स्वामी जी ने बताया कि बंगाली हॉस्पिटल, वो हमेशा कहते जाओ इनको जल्दी से बंगाली हॉस्पिटल ले जाओ। वही चेतना, वही शब्द मेरे कानों में गूंजते थे जब हमने हंस फाउंडेशन की शुरुआत की, और बहुत समय नहीं हुआ है, 10-12 साल हुए हैं, लेकिन 10-12 साल में हमने 21 हॉस्पिटल की सेवाएं ली हैं और हर ऐसे क्षेत्र में सेवा की है कि जिस क्षेत्र में सचमुच में ही कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई एस्प्रिन देने वाले नहीं थे, चाहे वो यूपी का इंटीरियर हो, चाहे आसाम का हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी कोना हो, वेस्ट बंगाल का हो, हम लोगों की हर क्षेत्र में, आसाम में है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो हंस फाउंडेशन ने वहाँ सेवा का एक बीज ना बोया हो। 28 राज्यों में निरंतर हम लोगों का संपर्क रहता है, शिक्षा और सेवा, और स्पेशल नीड बच्चे, जो हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा, मुझे दुख भी लगता है कि लोग अपने ही घर में अपने ही बच्चे को अपने से अलग करते जाते हैं, लेकिन अगर उनको सुविधाएँ मिले तो वही आपके परिवार का एक अंश है। तो बहुत सी सुविधाएं हमने स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए करी है, स्कूल्स खोले हैं, और जब हम उनके पास में 2-3 साल बाद जाते हैं तो देखते हैं उन बच्चों में विकास बिल्कुल वैसा ही होता है जो एक साधारण बच्चे में हो रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। और साथ साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, अध्यात्म शिक्षा, इसलिए कि आप जब बन जाएंगे तो आप औरों को भी कल्याण का मार्ग बताएंगे। यही सबसे बड़ा हम इन शास्त्रों में सुनते हैं, स्वामी जी के मुख से सुन रहे हैं कि किस तरह जीव का कल्याण होना है, किस तरह हम लोग फिजिकली तो हम डॉक्टर को ढूंढते हैं पर अध्यात्म के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। जब प्यास लगेगी तो नलके के पास जाना पड़ता है, उस स्रोत के पास जाना पड़ता है जिसके जल से हमारी प्यास बुझेगी,
और कभी कभी तो गंगा जी के इतने निकट होने के बाद भी बहुत प्यासा है जी। बहुत से लोग आते हैं और अपनी प्यास को बुझाने के लिए संतों के पास आते हैं, तो जो भी महाराज आज कह रहे हैं और कहते आए 10 दिनों से, वो भी एक बरत है। 10 दिन से आपका, आप तो बीच में उठे भी होंगे, गए भी होंगे, लेकिन उन्हें निरंतर जिसमें अंतर नहीं पड़ा उस कथा का श्रवण और श्रवण कराया। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के सम्मुख अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि व्यवस्था का थोड़ा, स्वास्थ्य की सेवाओं का, तो आपके लिए हंस फाउंडेशन हमेशा खड़ा है। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे स्थानों में सेवाएं हो, क्योंकि जहाँ पे अभी हमारा हंस आई केयर खुला है बहादुराबाद में, जिस दिन हमने खोला था लोगों ने कहा था हरिद्वार में तो बहुत हॉस्पिटल, आप क्यों खोल रहे हैं, लेकिन आज 3 लाख से ज़्यादा लोगों की आई सर्जरी हो गई है कुछ ही वर्षों में। और इसके साथ ही हमने एक हॉस्पिटल सतपुली में खोला था जहाँ की बिल्कुल बीहड़ जंगल था, कुछ था ही नहीं, शाम को माताएं 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, कहीं बाघ है कहीं भालू है इसी तरह के डर रहते थे। आज वहाँ पे 2.5 लाख लोगों ने उस ट्रीटमेंट को प्राप्त कर लिया। और गूगल वालों का फोन आया कि सबसे ज़्यादा सतपुली कौन सा स्थान है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी सर्च की जाती है, तो बड़ा सम्मान भी लगता है कि सेवा और सम्मान। अभी सेवा की बात चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ऐसा गांव हमने ले, लद्दाख से लेके नीचे पूरा जो क्षेत्र था, जहाँ भी हमारे बॉर्डर एरिया है, जहाँ बिलो 0 टेम्परेचर है, वहाँ के लिए कपड़े जूते भोजन उनके लिए वो भेजे, क्योंकि वो हम सबकी बॉर्डरों में रक्षा कर रहे हैं। तो बहुत से साधन हैं उनके लिए, बराबर एम्बुलेंस जा रही है कि कहीं वो बीमार होंगे तो कम से कम उनके पास दवाई है, नहीं तो दवाई लेने अगर वो नीचे आए तो 1 महीने से पहले ऊपर नहीं जा सकते। तो ये बहुत सी सेवाएं जो है फाउंडेशन के ज़रिए हम लोग कर पा रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऊपर संतों की दया दृष्टि है, संतों की कृपा है, क्योंकि संत जो होते हैं वो कोई दिखने में साधारण से लगे, लेकिन उनका जो जो ध्येय होता है, जो श्रेय होता है, जो समाज को बदलने का एक मन होता है, एक उनकी आत्मा उस अध्यात्म में लगी रहती है, उससे हम सब का कल्याण होता है। तो हम सब आज बहुत भाग्यशाली, और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि जो आज रामकृष्ण मिशन में आकर मुझे आप लोगों के दर्शन हुए, और आप लोगों ने बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से हमारा स्वागत किया। भोले जी महाराज भी आना चाहते थे पर उनका कल एक कार्यक्रम है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो जाना ही है वहाँ, क्योंकि मुझे एक एक प्रेरणा और एक जिस तरह से आत्मिक शक्ति बुलाती है उस तरह की पुकार हो रही थी। और मैं स्वामी जी से, सचिव जी से यही विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी आपको ये मशीनें लगानी हो, कोई भी लाइफ सेविंग चीज़ें करनी हो, तो प्लीज़ हमें हंस फाउंडेशन को हमें कॉन्टैक्ट करिए, और हम ज़रूर आपके यहाँ भी उस सेवा का एक माध्यम खोलेंगे, जिससे कि आप जैसे आने वाले लोगों को स्वास्थ्य की सेवा पूर्ण रूप से मिले। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और सभी संतों को प्रणाम। परम आदरणीय मंगला माता जी ने जिस तरह से कहा कि सेवा करने के लिए हमारा हंस फाउंडेशन रामकृष्ण मिशन के साथ मिलकर सेवा के इस यज्ञ में साथ साथ आहुति देगा। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी पधारने वाले हैं, तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई स्टार्ट करें। जय जय राम कृष्णा हरि, 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 जय।
सज्जनों मुस्कुराइए, पुनः कथा में आपका स्वागत है। ऐसे देखा जाए तो कथा अनवरत चल ही रही थी, परम श्रद्धेय माताजी ने वो जब संतों के विषय में बोल रहे थे परमहंस बोलते बहुत कम हैं, क्योंकि सिद्धांत ये है कि मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितोसो। यदि कोई मौन मिल जाए तो उनका मौन बात कर जाता है, पूरे शास्त्रों की विवेचना कर देता है। कोई गुणी मिल जाए तो उनकी साधना के वो गुण मानो कि उन गुणों के साथ तालमेल बना लेते हैं। गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितोसो। और यदि कोई बोलने वाला आ जाए तो क्या अद्भुत बोलते हैं। दो दिन पूर्व परमहंस की व्याख्या करते हुए व्यक्ति नकारात्मकता की ओर क्यों दौड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भीतर जो अपूर्णता है वो अपूर्णता उसको नकारात्मकता की ओर दौड़ाती है। पर जब व्यक्ति संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, जब भीतर से एक संतोष, जब भीतर से एक शांति, जब भीतर से पूर्णता का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्ति के पास नकारात्मक कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद तो उसका रो देना भी परमात्मा के चरणों का प्रक्षालन हो जाता है। उसके बाद उसका मुस्कुराना उन चरण प्रक्षालन के बाद उन पावन चरणों में दो पुष्प चढ़ाना है। पर ये जो बात थी पूर्णता की, जब व्यक्ति बोले बहुत कम पर बोलने वाले के पास जब अनुभव हो, बोलने वाले ने जब उस यात्रा को किया हुआ हो, ऐसा कोई यात्री जब दो शब्द कहता है तो वो दो शब्द भी आपके हृदय तक पहुंचते हैं। परम श्रद्धेय माताजी ने इसी परमहंस की ही व्याख्या को मुझे तो लगता है कि आगे बढ़ाया कि जैसे कुमार, जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो घड़े को पीट रहा है, वो ऊपर से भले ही पीटता हो पर भीतर से उसकी ममता का सहारा होता है। परमहंस की यात्रा पर जब हम निकलते हैं तो परिस्थितियां, शीतलता आतप, ये सब बदलते रहेंगे। तो बाहर से तो बहुत कुछ बदलेगा पर अनंत की वो ममता परमहंस को हमेशा अपने भीतर से सहारा देती रहती है। और ममता का ये स्पर्श उस मिट्टी के पिंड को एक कलश में रूपांतरित कर देती है। ममता का ये स्पर्श उसको पूजन के योग्य बना देता है। ममता का ये स्पर्श उसके अंदर अमृत को धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। पर जब आपके मैं अनेकों वक्ताओं से एक अच्छे वक्ता बनने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप वक्ताओं को सुनते रहो,
ऐसा हमें शिक्षा में दिया गया था कि आप सुनिए, जो सुनता है वही अच्छा वक्ता बनता है। मैं कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं करना चाहता हूं, पर अक्सर माताओं का ऐसा एक कहना होता है कि घर में कोई सुनता नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे को कुछ बताया जा रहा था स्कूल में गन और मशीन गन के मामले में, तो उस बच्चे को समझ नहीं आई, तो उसने अपने बाप से पूछा कि ये गन और मशीन गन क्या होता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरी माँ जब बोले तो वो मशीन गन और मैं जब बोलूं तो वो गन, वो एक ही बार फायर होती है, वो फायर होती रहती है। तो मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितोत्सव, और बड़े परम सौभाग्य की आज हमारे लिए बात है कि पूज्यपाद चिदानंद सरस्वती जी मुनि जी महाराज भी इस पूर्णाहुति के पावन यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने के लिए पधारे हैं। तो ये जो वचन होते हैं, आपने जिस तरह से संतों की व्याख्या की, ऐसा लग रहा था कि जैसे संतों के चरण में आपने अपने जीवन को जिया हो। ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति जब दो लाइन कहता है ना, वो दो लाइन भी हमें एकदम छू जाती है। मुझे जब आप बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे परमहंस की व्याख्या में शायद ये बात अधूरी रह गई थी जो आपने पूरी करी। और एक स्वामी जी एक और अच्छी बात हुई है, यहां हमने 9 दिन बातें परमहंस की, आज 9वां दिन है। पर बड़ी मजेदार बात है कि परमहंस की कथा करने के लिए स्वयं भगवती माँ शारदा माँ आई थी। ये उन्हीं की प्रेरणा है। देखो पहले दिन दीप प्रज्वलन रीता जी बहुगुणा के हाथों से हुआ, वहां से एक मातृशक्ति ने, ऋतु खंडूरी जी ने, एक मातृशक्ति ने यहाँ का आरंभ किया। और आज जब ये कथा पूर्णाहुति की ओर जा रही है, तब एक देवी ने पुनः इस यज्ञ में आहुति दी। और
Krishna Hare Jai Jai Ram 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 Krishna Hare सज्जनों, ऐसा लगता है कि हमारी आवाज परमहंस भगवान रामकृष्ण देव तक शायद पहुंच चुकी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज इस कथा के पूर्णाहुति के अवसर पर आए। जैसे भी हो आगे कृपया। परमहंस की यात्रा में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का आगमन हम सब के बीच हो चुका है। हमने अभी पूज्य माताजी को सुना। सेक्रेटरी महाराज जी द्वारा सेवा कार्य जो आश्रम में चल रहे हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने सुना। मैं पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन के लिए मंगलं भगवान विष्णुः मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सतो मा
sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityo भाग्यशाली हैं किस देश की धरा पर युग पुरुष महापुरुष परमहंस भगवान रामकृष्ण जैसे संतों ने अवतार लिया है। तब से लेकर आज तक की पूरी पावन परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आज ये भी बड़ा प्यारा दिवस है, अमावस्या का परम पावन पवित्र पर्व, हरिद्वार की धरती, श्रीमद् भागवत का, श्री राम कथा का परम पावन लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। और ऐसे अवसर पर जैसा कि मैं आया, जस वही शब्द मैंने सुने, मंच पर विराजमान हमारे प्रिय अभिन्न और आदरणीय, बड़े ही सहज, बड़े ही सरल, बड़े ही सात्विक विद्वान भी हैं और विनम्र भी हैं। उसका संगम है उनका जीवन। और मैंने तो आज से नहीं, उनके बचपन की यात्रा से उन्हें देखा है, फिर आचार्यत्व काल में भी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में उन्होंने जिस तरह से गुरुकुल परंपरा को सजीव किया वो मेरे आज भी मस्तिष्क में है, और इसी तरह से परंपरा आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ने प्रारंभ किया और आज पुनः नारी शक्ति के पावन सानिध्य में आज इस दिव्य श्री राम कथा की पूर्णाहुति हो रही है। और सच माने मुझे तो ऐसा लगता है, कई बार जब मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ आपके बारे में, जिनका हर पल ही सेवा में है, मुझे तो लगता है कई बार मैं सोचता हूँ कि पता नहीं किस घड़ी में भगवान ने आपको जन्म दिया है, वो घड़ी भी मंगला होगी, वो परिवार भी मंगला है जिसने इस मंगला माँ को जन्म दिया है। कईयों की तो बेटियां मंगला होके आती हैं, तो ये तो मंगला का स्वरूप लेकर ही इस तरह से आई कि जो सेवा का यज्ञ प्रारंभ किया है, हर दिन हर कोने में कहीं ना कहीं, अगर केरल में देखो तुम्हारी अमृतानंदमयी, कुछ भी होता हो तो जरूर आगे आती हैं, और उत्तराखंड की धरती हो तुम्हारी मंगला माता जी, लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, लेकिन माँ आपने तो अपना जीवन ही यज्ञ बना लिया है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और आज हम उस धरती पर हैं, उस परम
महापुरुष किस सानिध्य में बैठकर, क्योंकि महापुरुष आर नेवर गॉन, दे आर ऑलवेज ऑन। मैं नहीं मानता हूं कि भगवान रामकृष्ण परमहंस इज गॉन, ही इज ऑलवेज ऑन, कभी नहीं गए वो हम सबके बीच में हैं। वही उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद ही पूरे विश्व में प्रतिफलित है। केवल यहाँ नहीं, मैंने तो पूरे विश्व में देखा है, शिकागो की उस धरती पर, कैलिफोर्निया में हो या अन्य जगहों पर हो, मैंने वहाँ भी देखा है कि किस तरह से भगवान रामकृष्ण परमहंस को अपना आराध्य मानने वाले सभी संतों ने किस तरह से अपना जीवन प्रदान किया है। आज का दिन अर्पण का दिन होता है पितरों के लिए, पर सच मानिए कि स्वामी भगवान रामकृष्ण परमहंस के संतों के लिए इससे बड़ा पितर कौन होगा उनके जैसा। तो उनके लिए तर्पण केवल तर्पण नहीं, आज का दिन तर्पण का दिवस है, पर सच तो ये है इन सब संतों ने तो तर्पण भी, अर्पण भी, समर्पण भी सब भगवान श्री रामकृष्ण के चरणों में किया है। युवा संत और किस तरह से उन्होंने अपनी जवानी को समर्पित कर दिया है। रामकृष्ण मिशन के संतों के लिए मुझे लगता है उन्होंने कभी किसी मेडल के लिए काम नहीं किया, कभी किसी मेडल के लिए काम नहीं किया कि मेडल मिलेंगे तो सेवा करो, सेवा ही मेडल है उनके लिए, नहीं, सेवा कोई मॉडल बना दिया। कई बार ऐसा होता है लोग मेडल के लिए काम करते हैं, पर इन्होंने तो सच मानिए सेवा को मेडल नहीं बल्कि मॉडल बना दिया। इसलिए ऐसे पूज्य संतों के सानिध्य में मुझे लगा, मैं तो अभी दिल्ली से आ रहा हूं, कल सायंकाल दिल्ली में यमुना जी के तट पर बहुत विशाल यमुना जी की आरती हुई और संकल्प हुआ कि गंगा जी को भारत के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी ने इस भाव से लिया कि गंगा ने मुझे बुलाया है। और गंगा जी की जो आज स्थिति है, दर्शन है, सचमुच परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में जब लोग आते हैं, गंगा जी की आरती कर रहे होते हैं, उस जल का दर्शन करते हैं, और सच मानिए जैसे हम सड़कों को देखते हैं, जब सड़कों के खुले द्वार, तो लोग गडकरी जी को याद करते हैं, नहीं, और ऐसे ही हमारे जब गंगा जी का दर्शन करते हैं तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहते हैं वाह कमाल कर दिया। और यही दर्शन यहाँ पर भी होता है हरिद्वार में, जब हर की पैड़ी पर हम आते हैं। लेकिन यमुना जी के लिए हमने सोचा कि कुछ अब होना चाहिए, अगले आने वाले 2 साल में इसी तरह से ही यमुना जी के प्रति लोगों की जागृति हो, जागरूकता हो, तो उसके लिए कल विशाल एक कार्यक्रम हुआ और उसके बाद संगीतमय कार्यक्रम भी हुआ। कैलाश खेर जी आए, पद्मश्री कैलाश खेर जी, बड़ा प्यारा, और संकल्प लिया सबने। आज वहीं से सीधे मैं अभी उतरा एयरपोर्ट पर सीधे, और जब मुझे पता लगा आप भी आए तो मुझे लगा मुझे कुछ रुकना था 15 मिनट, मैंने कहा अभी सीधे चलो और मैं आज आप सबके बीच में हूँ। देखिए हमारे देश में यदि किसी ने एक दृष्टि दी फकीरी कैसी हो, पूजक, प्रतिमा और पूजा, इन तीनों का बड़ा प्यारा त्रिवेणी है ये। पूजक कैसा हो, पूजा कैसी हो और प्रतिमा प्रतिमा ना रह जाए, मां बन जाए, ये दर्शन कराया हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के, रिसर्च होगी आने वाले समय में भगवान रामकृष्ण परमहंस पर, जिन्होंने इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक ऐसा रत्न दिया स्वामी विवेकानंद। और उनकी परंपरा में इतने सारे प्यारे संत। प्रतिमा, प्रतिमा
में कई बार हम माँ को नहीं दर्शन कर पाते, लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस ने सिखाया। इवन स्वामी विवेकानंद भी कहते, क्यों नहीं कहते हो माँ को कि आपके कष्ट को दूर करे, बोले जब मैं वहां जाता हूं तो कैसा कष्ट, किसको कष्ट, कहां से कष्ट, वहां तो केवल माँ ही रह जाती है। और माँ के सामने क्या कहना, किसको कहना, ये जो भाव है ना, कितना प्यारा है। इसका अर्थ है वो प्रतिमा नहीं है, साक्षात माँ है। आज यही दर्शन है कि प्रतिमा प्रतिमा ना रह जाए, मूर्ति ना रह जाए, बल्कि माँ बन जाए, माँ का दर्शन हो। पूजक पूजक ना रह जाए, पुजारी मात्र ना रह जाए, बल्कि ये भाव पैदा हो कि माँ के सामने जब बैठे पूजा और प्रतिमा कोई अंतर ना रह जाए। और पूजा ऐसी हो जो कुछ पाने के लिए नहीं हो, करते करते सब कुछ मिल जाए, सब करते करते सब कुछ पा जाए, और ऐसा पा जाए कुछ पाने की इच्छा ही ना रहे, यही तो मुक्ति है। पड़ा था सुना सितार दिल का, हुई अचानक ये जाग तुमसे। पड़ा था सुना सितार दिल का, हुई अचानक ये जाग तुमसे। जो जिंदगी रोग बन गई थी, वो बन गई आज राग तुमसे। ये मेरे जीवन की रागिनी क्या, ये प्रेम की मीठी बांसुरी क्या। ये मेरे जीवन की रागिनी क्या, ये प्रेम की मीठी बांसुरी क्या। मिला है मुझको ये राग तुमसे, मिला है मुझको ये प्यार तुमसे। मिला है मुझको ये प्यार तुमसे, मिला है मुझको ये प्यार तुमसे। सचमुच ये मेरे जीवन की रागनी क्या, जो जिंदगी रोग बन गई थी वो बन गई आज राग तुमसे। रोग से राग की यात्रा है ये पूरा जीवन, और ये कृपा है माँ की, ये कृपा है ऐसे पूज्य संतों की, क्योंकि धरती पे बाहर आती है जब वसंत आता है, लेकिन जीवन में बाहर आती है जब कोई संत आता है। एक ऐसे संत, ऐसे परमहंस जिन्होंने सचमुच नरेंद्र गए सन्यासी बनने के लिए नहीं, लेकिन उनको सन्यासी बना दिया, और दूसरे नरेंद्र गए उसी मिशन में सन्यासी बनने के लिए, और उनको राजऋषि बनाकर फिर वापस लौटा दिया, जाओ और सेवा करो। ये है दृष्टि। नरेंद्र दोनों, नरेंद्र उधर भी गए, नरेंद्र इधर भी गए। एक अपना गला पकड़वाने के लिए नहीं गया था, उसका गला पकड़ लिया, बैठ तू तो किसी और काम के लिए आया पैदा हुआ है, उसे स्वामी विवेकानंद बना दिया, नरेंद्र नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। और एक दूसरे नरेंद्र जो सन्यासी बनने के लिए गए, उनको दिल्ली की ओर भेज दिया, जाओ सेवा करो, गुजरात की ओर भेज दिया, जाओ सेवा करो। ये संत की दृष्टि है, और आज इसी दृष्टि की आवश्यकता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सोच को बदलो बस सब कुछ बदल जाएगा। आज क्योंकि विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी है, अंतिम बात आज के दिन बड़ी बड़ी पूरे विश्व में बातें होती हैं अधिकार के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर। सच मानिए, हमारे ऋषियों ने सबसे पहले
जो सामाजिक समता के, समरसता के, सद्भाव के मंत्र दिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को इससे बड़ा क्या मंत्र मिल सकता है कि हम सब एक हैं, एक परिवार है, हम समान हैं। और केवल हम ही समान नहीं हैं, हम समान हैं और सबका सम्मान है, और यही इस देश का संविधान है, और यही इस देश का समाधान है। इसलिए सामाजिक, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के ऊपर अगर हम किसी ने न्याय किया है तो हमारे ऋषियों ने किया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, बात ही नहीं ऊंच और नीच की और छोटे और बड़े की, सर्वे सर्वे सर्वस्व की बात है। यही श्री राम कथा का सार है। अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी, दोनों ने ठोकर मारी। अयोध्या जैसी नगरी को भी, जो विश्व के लिए एक ऐसी सर्वोत्तम नगरी, तो देवता भी तरसते थे, उस नगरी के को उन्होंने गेंद बनाकर, कोई इधर तुम बैठो भैया, कहते नहीं भैया मैं नहीं, आप बैठो, पद को नहीं बल्कि पादुका को अपना लिया। ये जो संदेश है कि पद के लिए नहीं, और आज इस देश का सौभाग्य है इस देश के प्रधानमंत्री भी किसी पद के लिए नहीं, किसी कद के लिए नहीं, किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि एक निष्ठा के साथ देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और 140 करोड़ लोग साथ मिलकर इस देश को अपना मानते हुए राष्ट्र प्रथम करके आगे बढ़े। और स्वामी विवेकानंद, मुझे याद है मेरी माँ ने, जब मैं जंगल से लौट, मैं बहुत छोटा था, 8 साल का था, इस लाइन में आया, जब जंगल से मैं वापिस आया तो आते ही 17 महीने का गायत्री पुरुषण का अनुष्ठान था ऋषिकेश में, परमार्थ निकेतन में पूरा हुआ, और उसके बाद करीब 4-5 हजार संत आए। पहली बार, क्योंकि 12 साल के बाद आप अपने घर में जाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, तो ऐसा हुआ कि क्योंकि हम लोग घर में नहीं जाते हैं, बस एक बार भिक्षा मांगने गए, फिर कभी नहीं गए। मैं तो 8 साल का था, 71 साल का हो गया, लेकिन इतने पूरे जीवन में फिर कभी घर नहीं गए। लेकिन जब अनुष्ठान हुआ तो मेरे माता भी आई, पता लगा उनको, तो वो आई तो मुझे, इसलिए मैं बात को, ये उसमें एक सूत्र है अंतिम बात में, कि मुझे उन्होंने जब देखा चारों तरफ स्वामी जी गले में हार और लोग पूजा कर रहे हैं लोग, तो उसने एक पत्र लिखा मुझे, वो आज भी मेरे पास है, काश मैं दिल्ली से आ रहा हूँ लेकर आता, उसमें बड़ी पते की बात लिखी है। उसने लिखा, माँ ने लिखा, बेटा नहीं, उसने कहा मेरे तापस कुमार, तुम समझते हो तुम्हारी माँ आई, ये सब देखा, तुम्हारे वैभव को देखा, चारों ओर सलाम करते प्रणाम करते लोगों को देखा, फूलों के हार को देखा, प्रतिष्ठा को देखा, पद को देखा, तुम समझते हो कि तुम्हारी माँ बहुत खुश हुई होगी, पर मेरे तापस कुमार तुम इसलिए ऋषिकेश नहीं गए थे, ये तो तुम्हें घर में भी मिल सकता था, क्या इसलिए तुम ऋषिकेश गए थे कि ये सब तुम्हें मिले चारों ओर? तब उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब चारों ओर मानवता बिखरी हुई हो, ये उन्होंने कोट किया, चारों ओर मानवता सिसकती हो, बिलखती हो, करहा रही हो, और तुम आश्रम में केवल हार पहनकर अपने आप को मत मान लेना कि बस हो गया, पहुंच गए, पहुंच नहीं गए, तुम कुछ लगता है नीचे उतर रहे हो। केवल हारों से पहुंचना अगर है, प्रतिष्ठा से यदि किसी पहुंचना है, सिंहासन पर बैठना लक्ष्य था, वापस घर चले आओ, तो घर में ही क्या कम था, क्योंकि मेरी माँ को मैंने बचपन में देखा था 3-3 घंटे समाधि लगाए हुए, सफेद कपड़े पहने जमीन पर सोती माँ, उसकी घटना सुनाने का भी समय नहीं है। उसने कहा वापिस चले आओ, वो पत्र कभी मैं आऊंगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, उसने मुझे लिखा, कुछ करना है तो ऐसे बनो, ले ओ। किस माँ को खुशी नहीं होगी, वाह वाह मेरा बेटा अध्यक्ष बन गया, ये अध्यक्ष किसके अध्यक्ष, कहाँ के अध्यक्ष, अध्यक्ष बनने के लिए या सीईओ बनने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के, हम इस धरती पर नहीं उतरे हैं, इस सेल्फी वर्ल्ड में बस सेल्फ को पहचान लें, यही जीवन है, यही सार है। इसलिए भगवान श्री राम जो इस देश के आराध्य हैं,
यही सीख थी अयोध्या राज्य की, गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, दिखा दिया राज्य के लिए नहीं स्वराज्य के लिए। और वो स्वराज्य कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर है। उसी स्वराज्य को प्रदान करते हैं संतों के सत्संग और ये दिव्य कथा। और ऐसे सात्विक सरल सहज संत मिले, कोई भगवा कपड़ा पहनने से ही केवल संत नहीं बल्कि सफेद वस्त्रों में धोती पहनने वाले भी संत हो सकते हैं। सबकी साधना को प्रणाम, क्योंकि स्वयं को साधना ही साधना है। साधना कोई पालथी मार के बैठना नहीं है या अमुक तरह से जीना नहीं है, बल्कि स्वयं को साधना ही साधना है। ये क्या है, ये साधना ही तो है। जो कुछ मेरे पास है सब सर्वस्व के लिए है, सबके लिए है, सदा के लिए है। और गंगा की तरह नो हेसिटेशन, नो एक्सपेक्टेशन एंड नो वेकेशन, इसी भाव से बहते हुए आप सेवा करते जा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है माता जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं प्रणाम करता हूं आपकी साधना को। आइए दिव्यता के इन क्षणों में फिर पुनः भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस की साधना को हम प्रणाम करते हुए, जिन्होंने इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक ऐसे रत्न दिए, भारत रत्न स्वामी विवेकानंद। एक ने विश्व में जाकर अपना डंका बजाया और विश्व की धरती से हिंदुत्व का संदेश दिया, तो दूसरे नरेंद्र ने भारत में रहकर पूरे विश्व को बता दिया कि यस, भारत सबके लिए जीता है, भारत केवल अपने लिए नहीं जीता है, भारत केवल अपने लिए सांस नहीं लेता है, भारत सबके लिए सांस लेता है। इसलिए टर्की में अगर अर्थक्वेक आया तो सबसे पहला हवाई जहाज भारत से गया। टर्की गालियां देता रहा, विरोध करता रहा जिंदगी भर। टर्की से कभी संबंध हम लोगों के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन टर्की गालियां देता रहा, लेकिन गालियों देने वालों को भी उन्होंने सबसे पहले गोलियों का, दवाइयों का और डॉक्टरों का, और ताकि सूंघ सूंघ कर जो पत्थरों के नीचे दब गए हों उन सब को निकाल कर किसी कोई भी बच जाए, वो भी मुसलमान नहीं बल्कि वो इंसान है। कुत्ते भेजे साथ में सूंघने वाले, आप सोचिए तो उसे क्या विजन है। उस हवाई जहाज में कुत्ते गए ताकि पांच की भी जान बचा लेंगे तो बात बन गई। ये है भारत की दृष्टि। आज भारत को भारत की आंख से देखने की जरूरत है, शंका की आंख से नहीं बल्कि श्रद्धा की आंख से देखने की जरूरत है। और वो आंख मिलती है इस दिव्य कथा से, वो सोच मिलती है इस दिव्य कथा से। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। रोज रोज किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। बस उस दिशा को प्राप्त करने के लिए आइए पुनः चले हम शरणागति के घाट पर, जहां हमको वो दिशा मिलेगी। बस भाव हो तो शरणागति का हो। हमारे प्रिय डॉक्टर विनोद, वो ही बड़ा प्यारा इंसान है जोड़ने वाला, हमारे स्वामी महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज, लेकिन महामंडलेश्वर की अपनी भी एक वो होती है, लेकिन ये पकड़ महामंडलेश्वर है बिल्कुल सच्ची। हाँ, जहाँ चले अपना उठाया कमंडल चल पड़े। बस प्रणाम आपकी फकीरी को, और महाराज श्री प्रणाम स्वामी देव दीपानंद जी महाराज जी, और स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, और स्वामी देव दीपानंद जी महाराज को भी, और पूज्य संतों को मेरे प्रणाम। प्रिय संगीतकार वृंद, प्रिय विप्र वृंद, और आप सब सबको मैं आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और उस विचारों संतों ने, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने जो विचारों की वैक्सीन हमको दी है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में बैठे हैं, कोरोना के दिनों में भी इन्होंने कमाल किया, कोई रोता हुआ नहीं गया यहां से। रोते हुए जरूर आए लोग, लेकिन हंसते हुए यहां से निकले। लेकिन साथ ही साथ वो कोरोना की वैक्सीन, और आज हमारे संतों ने जो हमें विचारों की वैक्सीन दी है स्वामी विवेकानंद जी ने, वो सचमुच आने वाली सदियों तक लोगों के दुखों को, कष्टों को दूर करती रहेगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है।
आपकी व्यासपीठ के इस साधना को भी प्रणाम और एक नई यात्रा का प्रारंभ। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे। सज्जनों मुस्कुराइए, आज इस पावन अवसर पर परमहंस तत्व के इस किनारे पर, इस घाट पर एक और डुबकी लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ईश्वर हमेशा आपसे बात करते हैं, हम उन परमहंसों का परिचय प्राप्त करने के बाद कल एक यात्रा कर रहे थे कि परमहंस क्या करते हैं। जब उस विषय पर हम विचार कर रहे थे तो अनंत को स्पर्श करने से पूर्व साधक के जीवन में पांच प्रकार के अपवाद आते हैं। साधना पथ से बाहर निकलकर
यदि इसी दृश्य को व्यवहार पक्ष से देखे तो मेरे युवान भाई बहन, जब आपका अस्तित्व, जब आपका पुरुषार्थ सफलता के उस शिखर की जब यात्रा कर रहा होगा, उस समय ये पांच प्रकार के विघ्न आपकी सफलता की उस यात्रा में, आपकी परमहंसीय साधना की इस यात्रा में ये बाधक बनकर आ सकता है। उसमें कल हमने दर्शन किया नियम भंग, जो भी अनुशासन है, अथ वेदानुशासनम अथ धर्मानुशासनम, तो जो भी अनुशासन है, यदि सच में आप सफलता के शिखर पर बैठना चाहते हैं, सच में यदि आप परमहंस तत्व को महसूस करना चाहते हैं, अपने भीतर उस तत्व को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो ये नियम भंग ये आपकी साधना यात्रा में एक बाधक बन सकता है। कल इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, पर चूंकि आज दोबारा हम वहां पहुंचे तो पूज्यपाद रामचंद्र डोंगरे जी महाराज इस भारत वर्ष के एक बड़े मूर्धन्य कथाव्यास, जो भक्ति सिद्धांत पर उनकी भागवत जी की एक व्याख्या, आज भी लोग जब उसकी स्मृति करते हैं तो कृष्ण को अपना लेते हैं। ऐसे परम सिद्ध तपस्वी, उनके एकदम अंतिम क्षण जब वो इहलोक को छोड़कर परम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री दादाजी, जो मेरे शिक्षा गुरु है, जिनसे ये शास्त्र मुझे मिला, उनके साथ उस समय में वहां उपस्थित था। रोग के कारण चिकित्सकों द्वारा दृढ़ रूप से कहा गया था कि अब आप स्नान नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी पूज्यपाद रामचंद्र डोंगरे जी महाराज प्रतिदिन प्रातः काल 5 बजे, जो उनका नियम था, उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने उस नियम को नहीं छोड़ा। ऐसे महापुरुष की यह जीवन यात्रा मेरे और आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। हमारे मन के मुताबिक यदि सुबह चाय न मिले तो मूड खराब करके पूरा दिन खराब कर लेना थोड़ा सा नियम भंग ये परमहंस की यात्रा के लिए बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। दूसरा बाधक हो सकता है वैभव, भोग विभूति पूरी भरी राखे, भोग विभूति पूरी भरी राखे। जब भरतलाल जी की यात्रा पहुंचती है प्रयागराज तीर्थ पर, भरद्वाज मुनि मुस्कुराते हैं कि आज एक राम प्रेम में उन्मत्त राम भक्त आया है, और प्रभु श्री राम का ही वचन कि मुझे मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त प्राण प्रिय है, तो उसी वचन को, उसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए महामुनि भरद्वाज ने अपनी साधना के पूरे वैभव को त्रिवेणी संगम के उस किनारे पर बिखेर दिया, एक एक अवधवासी के सामने, देव कन्याएं, ऋषि कन्याएं, तपस्विनी
बड़े बड़े विद्वान महापुरुष ये सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। इतनी शानदार हॉस्पिटैलिटी, कभी तो वो उठा ना हो, उससे पहले तो उसके हाथ में जूस आ जाए। अभी तो वो कल्पना करे कि बहुत थकान लगी है, उस श्रम को दूर करने के लिए औषधि लेकर कोई सेवा में उपस्थित हो जाए। साधना का जब वैभव प्रकाशित होता है तो उस वैभव की चकाचौंध में देखत जिनहि अमर अभिलाषे, उस वैभव को देखने के लिए तो स्वर्ग से देवता भी अभिलाषा करते हैं कि ऐसा वैभव कभी मुझे दिखे। 5 स्टार नहीं, एकदम 7 स्टार से भी आगे की एक हॉस्पिटैलिटी। देव भी जिसकी अभिलाषा रखते हो, ऐसी जब सुविधा, ऐसा वैभव जब परमहंस भरत जी के सन्मुख अवतरित होने लगा, कहते हैं कि उस वैभव में, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि उस वैभव में पूरी अयोध्या डूब सी गई। अभी तो मध्य रात्रि भी नहीं पहुंची है और कहते हैं कि उस वैभव का खुमार चढ़ा। साधु कौन होता है? जब हम जैसे कोई साधक, हम जैसे कोई बिछड़े हुए अनाथ हो गए, कोई एक छोटा व्यक्ति जब किसी महापुरुष की शरण में आता है तो ये उस शरण की शक्ति, ये उस हाथ का जादू कि एक अनाथ व्यक्ति उस परमहंस की कृपा से पूरी दुनिया में एक चमकता सूर्य बनता है। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, अयोध्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इतना वैभव कि कहते हैं कि अवध वासियों की मनोकामनाएं छोटी पड़ गई। जैसे किसी छोटे बच्चे के सामने चॉकलेट की पूरी दुकान को खोल दिया जाए और जैसे कोई छोटा बच्चा बहक जाए, ऐसी अयोध्या बहकने लगी थी। तब कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस वैभव के प्रकाश में परमहंस भरत लाल जी को ढूंढा, वो क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पैदल चल के आए, पैरों में छाले पड़ गए थे, अब तो वो फफोले फूटने लग गए थे और संगम की ओर जब वो भरत लाल जी जा रहे थे तो संगम की बालू उस फूटे हुए फफोलों में अंदर जा रही थी। उस असह्य वेदना को लिए भरत जी जब आगे बढ़ रहे थे तब कहते हैं कि आकाश से उनका दर्शन कर रहे देवताओं की आंखों में भी आंसू भर आए। धन्य है भरत, आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है।
जब श्री भरत लाल जी त्रिवेणी संगम के उस द्वार पर पहुंचे, तब कहते हैं कि प्रयागराज तीर्थ के देवता सब प्रकट होकर भरत लाल जी को लेने के लिए दौड़े। लड़खड़ाते हुए परमहंस भरत जी का हाथ पकड़ लिया। उन तीर्थों के देवताओं ने पूछा कि परमहंस क्या चाहते हो, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? तब प्रयागराज तीर्थ के सामने बड़े विनम्र भाव से, बड़ी आतुरता के साथ परमहंस भरत जी ने विनंती करते हुए कहा था कि अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहूं निर्वाण। आप यदि यह सोच रहे हो कि मुक्ति का वो द्वार मैं आपसे चाहूंगा, अपने पास रखो, बंद रखो, मुझे नहीं चाहिए वो मुक्ति। ऐसी मुक्ति किस काम की जहां पर प्रभु श्री राम न रहते हो। मुझे आपका कोई वैभव नहीं चाहिए, ये अपना अमर पद, ये अपना कल्पतरु वृक्ष, ये स्वर्ग की सारी सिद्धियां, ये वैभव, ये सब अपने साथ लेकर जाओ। मैं क्या करूंगा उन वैभवों का? आप सोच रहे होंगे कि मैं धर्म यात्रा कर रहा हूं, तो मैं ये चाहता होऊंगा कि मुझे कोई धर्म का पथ मिल जाए। तो क्षमा करना, जिसने मां काली के चरणों को समझ लिया हो, जिसने मां काली की करुणा को महसूस कर लिया हो, जिसने पाषाण की प्रतिमा को भी द्रवीभूत कर दिया हो, जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए अब ये धर्म के सिद्धांत क्या लगते हैं? परमहंस का मुस्कुराना साधना होती है, परमहंस की आंखों के आंसू अमृत के कण होते हैं, परमहंस का उठना एक अनंत की ओर यात्रा का पदारंभ हो जाता है, और परमहंस का बैठना उस अनंत में समाधि की उपलब्धि हो सकती है। तो हे देवता, हे तीर्थों के देवता, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहूं निर्वाण, उस परम वैभव के बीच में एक साधक एक मां की करुणा को स्पर्श किया हुआ, एक परमहंस की आर्तनाद गति न चाहूं निर्वाण, मुझे कोई मोक्ष पद, मेरी कोई निर्वाण की यात्रा न हो, जन्म जन्म रति राम पद, प्रतिक्षण प्रतिपल नित्य प्रातः उठते ही, मध्यान्न में बैठते ही और सायंकाल जब मैं शयन के लिए जाऊं, तब भी ये मेरा उठना, ये मेरा चलना, ये मेरा बैठना, मेरी हर क्रिया, मेरी हर प्रतिक्रिया उस अनंत की, उस प्रभु श्री राम के प्रति मेरी साधना बन जाए। तब कहते हैं कि आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करते हुए श्री भरतलाल जी का स्वागत किया उस प्रयागराज तीर्थ के प्रांगण में। जो अकाम हो गया हो,
जो निष्काम हो गया हो, जो पूर्ण काम हो गया हो, वही परमहंस की यात्रा करता है। जिनके मन में अभी भी कामनाएं उछल रही हो, ऐसे साधकों को साधना को और ज्यादा मजबूत करके, मन को शांत करते हुए उसको चलना पड़ेगा। पर सज्जनों, जब आप देव यात्रा के लिए निकलते हो ना, जब आप उस परम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनते हो ना, तब सबसे ज्यादा सबसे बड़ी चिंता उन देवताओं को ही होती है। ये पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत कल इंद्र बन के आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। इस संसार में दो प्रकार की पीठिका होती है, एक तो होती है राज पीठिका, उस पर बैठने वाले के मन में सदा चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं उतर जाऊं कोई दूसरा आके बैठ जाए। और एक होती है व्यास पीठिका, ब्रह्म पीठिका, वहां पर तो जो भी आकर बैठता है उसके लिए स्वागत होता है, यही होती है परमहंस की पीठिका। पर देवताओं को चिंता हुई, और देवता जब बाधक बनने के लिए दौड़ने लगे, तब कहते हैं कि अब ब्रह्म से न रहा गया, अब सरस्वती से न रहा गया। देखो यहां पर भी मां उतर कर आई, और उस मां ने उन देवताओं को बड़ा लताड़ते हुए कहा कि राम को वन दिलवा दिया, भरत के पैरों में, परमहंस के पैरों में तुमने फफोले डाल दिए, अब और क्या करना चाहते हो। तब कहते हैं कि उन देवताओं को, इंद्र को थोड़ी सी लज्जा हुई, आप अपनी करुणा की यात्रा का वो जो स्वर है उसे पकड़ कर रखिए, परमहंस के इस राजमार्ग को आप छोड़े मत, उसी पे बने रहिए। परमहंस मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा लेने के लिए किसी रोज देवता आएंगे जरूर, पर वो परीक्षा ले नहीं पाएंगे, और वहां से जब ये यात्रा आगे बढ़ी, उस यात्रा की ओर जाए उससे पहले आइए उन दो परम पावन मंत्रों का हम गान करते हैं। तापस शम दम दया से गाइए। इस समय दिल्ली एयरपोर्ट में ईयरफोन डाल के यहीं से यात्रा आरंभ कर रहे लोग गा रहे हैं, तो यहां बैठ के गा लीजिए। तापस शम दम दया शम दम दया निधाना परमारथ
महारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम भरतलाल जी की ये यात्रा, ये परमहंस की ये यात्रा उस अनंत की ओर आगे बढ़ रही थी जो अयोध्या से निकली। अब तो वाल्मीकि आश्रम से भी ये संघ आगे बढ़ चुका था। श्री भरतलाल जी को चलने में कष्ट हो रहा था, उसके बावजूद भी एक अनुपम चेतना उनको शक्ति प्रदान कर रही थी। कुछ वनवासियों ने जैसे गृहराज को भरतलाल जी के और चतुरंगिणी सेना के विषय में खबर दी थी, ऐसे ही कुछ लोग खबर लेकर चित्रकूट धाम, जिस पर्णकुटी के द्वार के पास वृक्ष की छाया के नीचे प्रभु श्री राम और मां जानकी जी बैठे थे, उनको प्रणाम करते हुए एक वनवासी ने आकर ये खबर पहुंचाई कि अयोध्या से भरत अपनी चतुरंगिणी सेना और अयोध्या की प्रजा के साथ
चित्रकूट की ओर आ रहा है। आने वाले ने काश यदि आने वाला गुरु बृहस्पति को पहचानता, काश आने वाला व्यक्ति गुरु वशिष्ठ को पहचानता तो सबसे पहले उन्हीं का नाम देता, किंतु वो सेना के विषय में ही जानकारी रखता था। तो उसने सेना की जब बात करी तो भगवान राघवेंद्र सरकार और मां जानकी के बराबर पीछे, हाथ में धनुष बाण लिए लखनलाल खड़े थे। और जैसे ही कहा कि चतुरंगिणी सेना लेकर भरत आ रहे हैं, परमहंस की यात्रा पर जब आप निकलोगे तो आपको पागल लोग कहेंगे, परमहंस की यात्रा पर जब आप निकलोगे तो आपके अपने ही लोग आपको निकम्मा कहेंगे, परमहंस की यात्रा पर जब आप निकलोगे तब आपके अपने ही लोग आपको गालियां देने लगेंगे, जब आपका अपना परिवार ही आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करे उस दिन समझना कि परमहंस इस मंदिर का सुवर्ण कलश और ध्वजा लगने की तैयारी है। तुरंत हाथ में वो धनुष और बिना सोचे लखनलाल का प्रत्याघात, प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले कि क्षमा करना महाराज, आज बिना आज्ञा आपके सामने मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं, पर मुझे आपके चरणों की सौगंध है कि जब तक यह लखन आपके पीछे खड़ा है तब तक भरत की उस चतुरंगिणी सेना के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आप तक पहुंच सके। मुझे तो पहले ही पता था कि विष वृक्ष के ऊपर कभी भी मीठे फल नहीं लग सकते हैं, विष के वृक्ष के ऊपर हमेशा विष के ही फल लगते हैं। ये कैकेयी का बेटा जिसने अयोध्या के उस शकुन को आज कालीमा लगा दी, काली पोत दी, उसका बेटा यही तो हरकत कर सकता है। और महाराज कौन नहीं जानता है कि प्रभुता पाई के ही मद नहीं, जब व्यक्ति को सत्ता मिले, जब व्यक्ति को संपत्ति मिले, जब व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिले, तब अच्छे अच्छे लोगों का मन, अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रमित होने लग जाती है। ये उनका मन का जो भ्रमण है, आप भले ही करुणावान हो, आपकी करुणा को प्रणाम महाराज, किंतु भरत जानता नहीं है कि आज उसको किससे पाला पड़ा है। यदि मैं भरत को समरांगण में रण की धूल न चटाऊं तो मैं राम भक्त न कहाऊं, मैं सत सौगंध शंकर की खाके कहता हूं कि आज यदि समस्त देवता उस भरत का रक्षण करने आ जाए तब भी वो भरत इस समरांगण से जीवित वापस नहीं लौटेगा। इतना लंबा प्रवचन सुनने के बाद प्रभु श्री राम मुस्कुराए, बोले बेटा रोटी के साथ भांग की चटनी खा गए थे क्या? अभी भी एकदम क्रोध में भुजाएं फड़फड़ा रही थी लखनलाल की। प्रभु ये मजाक करने का समय नहीं। बोले बेटा अभी भरत आया कहां है? परमहंस की जब यात्रा के लिए निकलोगे तो आपके अपने ही लोग आपको बदनाम करने का प्रयत्न करने लगेंगे। उस समय परमहंस पथ के यात्री को चाहिए कि वह अपना दिल छोटा ना करे। यही तो सच्चे दिल से मुस्कुराने का समय है। मेरे युवान भाई बहन,
जब आप प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जा रहे हो उस समय आपके ही अपने लोग कहेंगे कि साल भर तो क्रिकेट खेलता रहा, अब क्या एग्जाम देगा। उस समय दिल छोटा नहीं करते हैं, सफलता की उस यात्रा को जारी रखते हैं। वही किसी न किसी रोज सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। आज तो बहुत अच्छे रोड हो गए, आज तो भारत में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर मैं तो जब छोटा था तो वो साइकिल बिना घुटने तोड़, पता नहीं साइकिल में ऐसा होता क्या है। महाराज जी, साइकिल जब सीखते हैं ना तो घुटने एक बार छिलते जरूर है। जब तक आप घुटना छिला के साइकिल को प्रसाद न चढ़ाओ ना, तब तक साइकिल का ज्ञान ही नहीं आता है। ऐसा होता है, पता नहीं ये साइकिल में ऐसा होता क्या है। मुस्कुरा दो प्यारो, परमहंस को जब आप महसूस करने के लिए जाओगे तो इस प्रकार की नकारात्मकताओं को तो आपको महसूस करना ही पड़ेगा। उस समय अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा को दृढ़ बनाए रखे, बस एक न एक दिन आपकी साधना, एक न एक दिन आपका पुरुषार्थ, एक न एक दिन आपकी ये मन की अभिलाषाएं उस पद को प्राप्त करने की अनंत जरूर आपकी पूरी करेगा। यदि पाषाण की प्रतिमा से करुणामयी काली प्रकट हो सकती है तो अब इस संसार में बहुत कुछ हो सकता है। सच्चाई बस हमारी इतनी सी है कि हमने उस हरि को दिल से कभी पुकारा ही नहीं। हमारी सच्चाई यह है कि दिल से हमने उस अनंत को पाने के लिए कोई यात्रा की ही नहीं। सच्चाई यह है कि हमने साधना के लिए कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। और हमारी यही सच्चाई हमें इस मार्ग के लिए बाधक बनकर आती है। एक ऐसा दिन आएगा, एक उम्र का पड़ाव कि कहते हैं कि बुढ़ापे में नींद बहुत कम आती है। एक समय आता है कि नींद नहीं आती है, नींद के लिए करवटें बदलनी पड़ती हैं, जितने जितने उपाय हो सकते हैं, अनुलोम विलोम ने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ आ जाता है, बस नींद ही नहीं आती है। अनुलोम विलोम का इतना मास्टर बन जाता है कि यदि वो एक लाइन में उपदेश दे तो अगला आदमी जिंदगी भर अनुलोम विलोम करने लग जाए, वो आ जाता है। पर जिसके लिए व्यक्ति अनुलोम विलोम करता है बस वही नहीं आती है, नींद नहीं आती है। एक ने एक दिन तो इस नींद को जाना है, तो क्यों ना आज ही हमारी ये नींद चली जाए। क्यों जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें रोना नहीं आता है कि हरि, हे राम कृष्ण, क्या अपराध रहा हमारा, क्या गलती रही हमारी, हमारी साधना में ऐसी क्या कमी है, अब तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, हमारी साधना को पूर्ण करो। एक बार यदि काली भी आपको मिलने आ सकती है तो क्या आप हमें दर्शन देने नहीं आ सकते? क्या इस भवसागर से उस पार लगाने के लिए हे भगवान, हे हरि, हे राम कृष्ण देव, क्या कभी आपका ये पावन हाथ का स्पर्श हमें नहीं मिल सकता? उस परमात्मा को याद करते करते एकांत में बैठकर जिस दिन रोना आ जाए, जिस दिन रात की नींद उड़ जाए, तो समझना कि चित्रकूट के प्रांगण के एकदम पास पहुंच गए हो।
देखा और गुहराज ने भरत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि भरत देखो वो जो वृक्ष है उसी के नीचे प्रभु श्री राम और मां जानकी जी विराजते हैं। एक शुभ्र शिला के ऊपर जब प्रभु आकर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे राम राज्य की स्थापना हो गई हो और परमात्मा इस सिंहासन के ऊपर बैठे हो। उस वृक्ष को देखते ही अब परमहंस भरत को मानो कि समाधि की अवस्था की ओर वो आगे बढ़ने लगे। एक दौड़ लगी, कहां है मेरे राम, कहां है मेरी मां जानकी। भरतलाल दौड़े, मंदाकिनी में स्नान किया, सबने सबको उतारा दिया और गुहराज और भरत आगे बढ़े। दूर से वो पर्णशाला नजर आई। उस पर्णशाला को दिखाते हुए जैसे सदगुरु साधना पथ का प्रकाश करता है, आज परमहंस भरत जी के सामने गुहराज सदगुरु बनकर राम प्राप्ति की साधना का पथ प्रदर्शन कर रहा है। साधना का पथ प्रदर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये व्यक्ति मायने नहीं रखता है, वो पथ प्रदर्शन मायने रखता है। भरत देखिए उस पर्णशाला में प्रभु निवास करते हैं। अब तो एक उर्मी जगी, देहाभिमान छूटा, आत्माभिमान भी छूट गया और भरत लाल जी ने जिसने अभी तक गुहराज का हाथ पकड़ा हुआ था अब सदगुरु का भी हाथ छोड़कर उस अनंत की ओर एक परमहंस भागा। कहते हैं कि जब भरत दौड़कर उस कुटिया की ओर जा रहे थे तब दौड़ते आ रहे परमहंस भरत जी को जब प्रभु श्री राम ने देखा तो कहते हैं कि उनकी करुणा उमड़ उमड़ कर आने लगी। मेरा भरत आया है, मेरा परमहंस मुझे मिलने आया है। ये सोचकर यहां से भरत दौड़े तो उधर से प्रभु श्री राम दौड़ने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों की मिलनी को अक्षरशः उतारने का प्रयत्न करने के लिए एकदम उनकी लेखिनी तैयार थी और उठो राम सुनी प्रेम अधीरा। भरतनी ने जब उस परमहंस ने हे राम कहते हुए जब आवाज दी उस आवाज को सुनने के बाद अनंत भी स्वयं को रोक न सका और अनंत ने भी अपने आसन को छोड़कर दौड़ना ही ठीक समझा, दौड़ पड़े। यहां से भरत दौड़े, उधर से हरि दौड़े। मध्य मार्ग में जब वो मिले उससे पहले एक और घटना हो गई, कहूं पट कहूं निशंग सर चापा। जब भगवान श्री राम उठे थे तो वस्त्र धारण थे, उपवस्त्र उनके कंधे पर था। जब प्रभु श्री राम उठे तब उनके हाथ में धनुष बाण थे, वो लेकर उठे पर जैसे ही वो भागने लगे तो कहते हैं कि कब धनुष बाण छूटा। अरे धनुष बाण तो छोड़िए, जो वस्त्र पहने थे प्रभु ने वो वस्त्र भी छूट गए। जब एक परमहंस अपनी उत्कट प्रेमावस्था में अनंत को जब पुकारता है तो अनंत उस परमहंस को मिलने के लिए निर्वस्त्र होकर जैसा है वो वैसा ही उस परमहंस के सामने प्रकट हो जाता है, उसे गले लगा लेता है। अब ईश्वर भी उस परमहंस के बीच में किसी माया के उस अंतरपट को नहीं रखना चाहता है। हम जब अनंत से मिलने जाते हैं तो उस माया का जो अंतरपट है अक्सर हम अनंत की मुस्कुराहट को
उस माया की जीनी सी चदरिया के उस पार देख पाते हैं। हम रूबरू होते हैं उस अनंत की माया से, पर जब परमहंस परम प्रेमोन्माद में जब होता है, उस समय अनंत भी अपनी माया के इस आवरण को भूल जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभीतं मुखम्, ये ब्रह्म वाक्य आज सत्य स्वयं को उस परमहंस के सामने उद्घाटित करने लगता है। श्री भरत और प्रभु श्री राम आपस में मिले। दुनिया जब मंदिर जाती है तो गंगा किनारे स्नान करके गंगा जल साथ लेकर जाती है, पर कहते हैं कि जब श्री भरत लाल जी रामचरितमानस का ये परमहंस जब उस अनंत को प्राप्त करने की यात्रा करता है, तो अपने मानस रूपी मन सरोवर में स्नान करके निकलता है, अपने हृदय रूपी कमल की वो यात्रा करता है, और इस प्रकार ब्रह्म ध्यान में स्थित होता हुआ उस ब्रह्म को पाता हुआ उस ब्रह्म की ओर वो जब यात्रा करता है, उस समय वो गंगा जल लेकर भूल जाता है। जब हरि सन्मुख प्रकट होते हैं तब अपने प्रेमाश्रु के उन पावन अमृत कणों से वो उन अनंत के पाद प्रक्षालन करता है, जैसे दक्षिणेश्वर में भगवान रामकृष्ण परमहंस करुणामयी जगत जननी मां काली के चरण धोते हैं। परमहंस उनसे मिले हैं, इसका सच्चा अर्थ तो ये होता है कि मां काली रोज मेरा और आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि मां अपनी संतानों के बगैर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती है। क्या होता है एक मां का मातृत्व, क्या होता है एक मां का कर्तृत्व, तो बस मां का मातृत्व इतना ही होता है कि वो अपने संतानों के बगैर रहती नहीं। क्या होता है मां का कर्तृत्व, तो बस मां का कर्तृत्व इतना ही होता है कि संसार से इस आतप से जलता हुआ उनका बालक जब उस मां की गोद में पहुंचता है, तो मां की वो ममता मां की वो करुणा इस संसार की इस आग से बचाकर उस बालक को अपने आत्म ज्योति में उस परमहंस अवस्था में लाकर उसको विराजित कर देती है। मां तो रोज मेरा और आपका इंतजार कर रही है, कब उठेंगे इस मोह के बंधन से, कब चलेंगे यहां से इन बंधनों को तोड़ते हुए, कब यात्रा करेंगे हम उस अनंत की ओर, जिस अनंत को पाने के लिए उसी अनंत ने हमें ये मानव देह दिया है, कब होगा ये, कब तक हम इन्हीं वस्तुओं में अपने आप को बांधे रखेंगे। ये जगना उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये जो सूत्रपात है स्वामी जी महाराज का, ये सूत्रपात भी हमें उसी ओर इंगित करता है कि एक परमहंस को चाहिए कि अपने माया के बंधनों को तोड़ता हुआ उत्तिष्ठत जो गतिमान हो सके, जागृत जिसका अंतर्मन जागृत हो चुका हो, चिन्मय हो चुका हो, प्राप्य वरान उस अनंत को प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा ने आपको ये मानव देह दिया है, ये जो अस्तित्व दिया है, ये जो अवसर दिया है, उस अवसर को आप उसी अनंत को प्राप्त करने के लिए गतिमान कर सके, प्राप्य वरान निबोधता। इस प्रकार श्री भरत जी
प्रभु श्री राम से मिले। कथा आप जानते हैं कि अयोध्या के लोग आए, प्रभु श्री राम ने अनंत रूप लेकर सबके मनोरथों को पूर्ण किया। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जब सभा में आकर बैठते हैं तो बोलते किसी और के लिए है, सुनता कोई और है, वो देखते कहीं और ही होते हैं। और ऐसे तीनों कालों को, भूत भविष्य और वर्तमान को, वो अपने में बांध लेते हैं। इसलिए तो वो बड़े हैं, इसलिए तो वो महापुरुष है, इसलिए तो वो महान है। भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए, सबके मनोरथों को पूर्ण किया। परमहंस भरतलाल जी ने भगवान से अयोध्या वापस लौटने के लिए विनंती तो की, पर कहते हैं कि भावोन्माद के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। महाराजा जनक आए, गुरु वशिष्ठ सुमंत जैसे मेधावान महामंत्री सबने बात रखी, समझाया उनको जा सकता है ना, जो ना समझ हो, समझे समझायो को क्या समझाओगे आप? हम मनुष्य को समझा सकते हैं, अनंत को मनुष्य कैसे समझा पाए? प्रभु श्री राम को कोई समझा नहीं पाया, पर प्रभु श्री राम ने आए हुए अवधवासियों समेत भरत को समझा दिया। परमहंस जब भगवान के पास जाता है तो वो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है। स्वामी विवेकानंद, अरे नरेंद्रनाथ दत्त, परिवार की चिंता करता हुआ कभी भगवान रामकृष्ण देव के पास आता है कि आप तो कहते हो ना कि मैं माँ से बात करता हूं, यदि माँ तुमसे बात करती है तो उसको कहते क्यों नहीं हो कि मेरे परिवार में जो ये चिंता है, आर्थिक जो तनाव है, उसको पूरा क्यों नहीं करती है वो? परमहंस मुस्कुराए और कहा कि बेटा, वो तो तुझे भी सुनती है, वो तो सबको सुनती है, तू जाके तो बोल। बोले नहीं, बोले जा मैं बोलता हूं ना, तू जाके बोल। और नरेंद्रनाथ दत्त मंदिर में जाकर मां को कहने का प्रयत्न तो कुछ और कर रहे थे और कह के आए कि हे मां, यदि तू मुझ पर राजी हो तो मुझे भक्ति ज्ञान और वैराग्य देना। वापस आ गए, बोले मांगा। बोले नहीं मांग सका। अरे जाओ बेटा, एक बार और प्रयत्न करके देख। दोबारा गए, नहीं मांग सके, तीसरी बार भेजा और तीसरी बार भी वो नरेंद्रनाथ दत्त मां से कुछ मांग नहीं सके। तब कहते हैं कि भगवान रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ दत्त का हाथ पकड़ते हुए कहा कि विवेक बेटा, तू इस काम के लिए पैदा हुआ ही नहीं है, तुझे तो और काम करने हैं। और नरेंद्रनाथ दत्त का वो जीवन स्वामी विवेकानंद में परावर्तित होने लगा। जब आप अनंत के सामने जाते हो कुछ मांगने के लिए, यदि सच्ची श्रद्धा लेकर गए हो, आप उस हरि से मांग नहीं सकोगे। कोशिश करके देखिएगा, लिख के रखना कि ये मांगना है। पूरी श्रद्धा में एक बार करुण आर्तनाद के साथ उस अनंत के सामने उस कागज को लेकर बैठना। कागज में क्या अक्षर आपने लिखे हैं, आपकी आंख के आंसू उन अक्षरों को पढ़ने नहीं देगी। मेरी आपकी श्रद्धा
वो भी यदि हम भगवान के पास न रख सकते हो तो एक परमहंस भगवान के पास क्यों मांगेगा। कहते हैं कि रामकृष्ण देव ने कभी मां से कभी कुछ नहीं मांगा, वो हर बार मुस्कुराते हुए कहते थे कि मेरी मां जब मुझे बिना मांगे दे रही है तो मांगने की जरूरत क्या है। यदि मैं मां से मांगू, यदि मैं मेरी मां से मांगू तो मेरी मां के मातृत्व पर, काली की करुणा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कभी नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा, और आज सब जानते हो कि उसी भगवान रामकृष्ण परमहंस के नाम पर असंख्य लोगों को जीवन का एक नया पथ, एक नया मार्ग मिल रहा है। आइए एक बार और मानस के इस परमहंस को प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों का श्रद्धापूर्वक गान करते हैं। Dayanidhana,
भगवान को अयोध्या का राज सिंहासन लेने के लिए विनंती की। प्रेम भक्ति से ओतप्रोत शायद अपनी बात को ठीक से रख न पाए। प्रभु श्री राम ने भरत लाल जी को कहा कि बेटा जाओ, जब तक तुम अयोध्या में रहोगे ना, मैं अब यहां से निश्चिंत होकर आगे की यात्रा करूंगा। महाराजा दशरथ को तिलांजलि, एक दिन का उपवास और अयोध्या की ओर वापसी की तैयारी हो रही थी। आते वक्त अनंत परमहंस को गले लगाकर खड़े थे, निकलते वक्त परमहंस ने अनंत को गले लगा लिया। प्रभु वो सब बातें सही है आपकी, पर क्षमा करना, आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आपकी अनुपस्थिति में, आपके अनुभव के बगैर 14 साल बहुत ज्यादा होते हैं, हम तो 14 मिनट भी जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है। प्रभु कोशिश करूंगा कि जैसा आपने कहा वैसा मैं करूं, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं वापस जिंदा अयोध्या पहुंच पाऊंगा। एक परमहंस अनंत के अनुभव के बगैर एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता, यही उसका एक स्वभाव हो जाता है, मैं रह नहीं पाऊंगा। तब गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, स्वर देना। गोस्वामी जी परमहंस की इस विदाई की वेला परमात्मा से एक कार्य करवाते हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दिनी सादर भरत शिष्य धरी ली। पूज्यपाद मुरारी बापू ने भागवत विद्यापीठ के प्रांगण में इस विषय पर बहुत विस्तार से रामचरितमानस का गान किया है, कभी सुनना। उस अनंत ने परमहंस पर करुणा करते हुए जीवित रहने के लिए एक आश्रय दिया, क्या अद्भुत। अरे कुछ भी दे देते, ये पादुका देना जरूरी नहीं था। अरे भगवान राम तो बगल में पड़े किसी पत्थर को उठाकर दे देते हैं कि बरात ले, इसके सहारे जिंदा रह लेना। तो भरत एक पत्थर के सहारे 14 युग तक जिंदा रह लेता। अरे रेत एक मुट्ठी भर दे देते कि ले बेटा, ये हमारे आर्यावर्त की मिट्टी, इसको तू ले जा, जब भी मेरी याद आए इस मिट्टी की पोटली को खोलकर देख लेना, मैं मुस्कुराता हूं वहां नजर आऊंगा, जाओ बेटा। ये भी कह सकते थे, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या, अरे गले की रुद्राक्ष की माला उतार कर पहना देते कि ले भरत, इस रुद्राक्ष की माला को अपने गले में रखना, यमदूतों की शक्ति नहीं है कि वो तेरे नजदीक भी आ सके। यहां अनंत ने उस परमहंस के सम्मान में
अपनी निज पादुका को उतार कर दे दिया और उनके हाथों में रखते हुए जैसे ही पादुका का स्पर्श हुआ, श्री भरतलाल जी ने उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण किया और पादुका लेकर उन्होंने प्रस्थान किया। मानो कि एक परमहंस ने प्रभु पद को अपने जीवन का आधार बनाकर आगे की यात्रा आरंभ की है। अयोध्या गए, सिंहासन पर पादुका को स्थापित किया गया। नंदीग्राम में एक तपस्वी जैसा वो जीवन व्यतीत करते हुए अयोध्या की सेवा करने लगे और यहां पर भगवान श्री राम उन तपस्वियों को, उन ऋषि मुनियों को, उन ब्राह्मणों को सहज सांत्वना देते हुए, उनके साथ वार्तालाप करते हुए, उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए कुछ दिन के लिए चित्रकूट धाम में निवास करके रुके। जिस युवान की लगभग मैं रोज मजाक करता था, बड़ा प्यारा युवान है, बड़ी श्रद्धा से इस कथा को वो सुन रहा है। विषय से अलग होकर वो भी एक अपना सवाल लेकर आया कि रामचरितमानस ये तीन शब्दों से इस ग्रंथ को लिखा गया तो इसका रहस्य क्या है। लगभग मेरे पास आपके जितने भी सवाल आए बिना नाम लिए कथा के ही प्रसंगों में ले जाकर मैंने उसके उत्तर देने का प्रयत्न किया, पर ये सवाल ही ऐसा है कि इसको मैं कहां लेकर ले आऊं। तो मैंने सोचा कि अलग से ही मुस्कुरा दो प्यारो। राम के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले एक साधक को क्या करना चाहिए, तो राम मार्ग की यात्रा करने का जब आप आरंभ करो तब एक राम भक्त को अपने मन को पवित्र कर लेना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारे। मन को स्वच्छ करके, मन को पावन करके बरनौ रघुवर बिमल जस। मन को पवित्र करने के लिए शब्द आया मानस, लिखा है श्री रामचरित मानस, पर जब आपकी साधना की यात्रा होगी तो उल्टी होगी। सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपने मन के ऊपर। कॉफी कैफे डे देखने के बाद भी आप ये न भूल जाओ कि मैं मंदिर जाने के लिए निकला था। निज मन मुकुर सुधारी, इसलिए मैं याद दिलाता रहता हूं कि प्यारो मुस्कुराइए। निज मन मुकुर सुधारी मानस। जब मन सुधर जाएगा, जब मन पवित्र होगा, जब मन स्वच्छ होगा, तब चरित्र के ऊपर कार्य आरंभ होगा। एक युवान को चाहिए कि वो अपने चरित्र को स्वच्छ और निर्मल रखे। एक साधक को चाहिए कि वो अपने चरित्र पर ध्यान दे। एक परमहंस पथ की यात्रा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने चरित्र पर जरूर ध्यान दे। पवित्र मन और पवित्र चरित्र जब यात्रा करेगा, उस यात्रा में जो अंतिम पड़ाव, जो सफलता का शिखर है, उस शिखर का नाम है श्री राम। तब व्यक्ति उस परमात्मा को, उस अनंत को प्राप्त करता है। यह है श्री राम चरित मानस। ये तीन शब्दों का ये ग्रथन करने का एक कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं, फिर किसी दूसरी कथा में आ जाना तू, वहां दूसरा कारण सुना दूंगा। अपना यह सत्संग चलता रहेगा। तो आइए, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि।
जय जय राम कृष्णा हरे 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 जय जय राम कृष्णा हरे। इस यात्रा ने यहाँ से आगे गति करी, महामुनि कुंभज ऋषि से मिले और यात्रा जब आगे गई, दंडकारण्य में निवास, खरदूषण का वध, सुरपण खाके नाक कान काटते हुए रावण को संदेश, सुरपण खा गई रावण के पास, अपनी वही कहानी सुनाने लगी, उन कहानियों से हमारा क्या काम। जय जय राम कृष्णा हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्णा हरि 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 जय जय राम बनकर आया। भगवान ने लीला का आरंभ किया, लक्ष्मण रेखा से जानकी का प्रबोधन करके लक्ष्मण जी गए, रावण जानकी जी का अपहरण करके गया, जटायु ने उसका प्रतिकार किया, रावण के खड्ग से जटायु के पक्ष का वेदन हुआ, जटायु नीचे गिरे, प्रभु श्री राम वापस आए, विलाप करने लगे, जटायु का उद्धार किया और जटायु के कहने पर ये यात्रा वहां से आगे गई शबरी के आश्रम में। जैसे ही शबरी के आश्रम में पहुंची, भगवान ने शबरी के मनोरथों को पूर्ण किया और पंपा सरोवर की यात्रा करते हुए नवधा भक्ति पर प्रकाश किया। जय जय राम कृष्णा हरि 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 जय जय राम कृष्णा जय जय राम कृष्णा हरि 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 जय जय राम कृष्णा हरि। शबरी के कहने पर ये यात्रा आगे गई और पहुंची ऋषिमुख पर्वत, हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम का मिलन हुआ और एक परमहंस की सुध लेने के लिए स्वयं भगवान उस परमहंस के द्वार पर पहुंचे और भगवान हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को अपने कंधे पर उठाकर
वो सुग्रीव के पास गए और यहां से एक परमहंस का एक लीला चरित आरंभ हुआ। जय जय राम कृष्णा हरि, 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 जय जय राम कृष्णा हरि। Krishna Hari, Jai Jai Ram 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 Krishna Hari, Jai Jai Ram. एक साधक को चाहिए कि वो अपनी साधना यात्रा को किसी परमहंस का हाथ पकड़कर करे। भले ही आप कितनी भी मोह माया और इन विकारों में डूबे हो, जीवन में यदि कोई समर्थ सदगुरु, कोई परमहंस जब आपका हाथ पकड़ लेना, बिना कुछ किए, बिना पुरुषार्थ किए, वो परमहंस आपको उठाकर परमात्मा के साथ मैत्री करवा देता है। हनुमान जी महाराज, परमहंस हनुमान जी महाराज परमात्मा को, प्रभु को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर गए और सुग्रीव से मैत्री करवाई। बहुत देर से हमारे नरेश ब्रह्मचारी जी भी इस कथा को सुन रहे हैं और यदि कविता न आए तो क्या कहना। हमारे पूज्य गुरुदेव इस मौके के लिए एक सुंदर रचना बोलते थे, स्वर देना, उसकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं। पूरा सुनना हो तो कभी भारत माता मंदिर पहुंचिएगा। हम तो अपराधी है प्रभु, उस पार करो तो जाने। हम तो अपराधी है प्रभु, उस पार करो तो जाने। मैं भवाटवी में भटका, अब पार करो तो जाने। अरे हम तो अपराधी है प्रभु, अब पार करो। परमहंस हाथ पकड़कर जब आपको भगवान के सन्मुख लाकर खड़ा करे, उस समय एक साधक को क्या करना चाहिए। उस समय एक साधक को भगवान के सामने इस प्रकार स्तुति करते हुए उनकी विनंती करना चाहिए। अब पार करो तो जाने। ए मैं भवाटवी में भटका, मेरा मन तो था कि ब्रह्मचारी जी से इसकी पंक्तियां सुने, पर घड़ी बहुत आगे निकल गई है और अभी तो परमहंस हनुमान जी से तो मिलना ही बाकी है।
अभी तो केवल इंट्रोडक्शन हुआ है ना, केवल मिलनी मिलनी हुई है। अरे भवाटवी में जब परमहंस हमारा हाथ पकड़कर हमें परमात्मा के चरणों में पहुंचाए तो एक साधक को क्या गुनगुनाना चाहिए, तो पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की ये पंक्तियां आपके लिए पथ प्रदर्शक बनेगी। सुग्रीव ने अपनी वेदना व्यक्त की और भगवान ने बाली को मारने का संकल्प किया। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ और भगवान राम ने बाली का उद्धार करके अंतिम समय जब बाली ने भगवान से फरियाद करी, भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक उसका प्रत्युत्तर भी दिया और अंगद को सदा के लिए अपना सेवक स्वीकार किया। सुग्रीव को राज्य मिला, प्रभुता पाहि के ही मद नाही, संपत्ति सत्ता और व्यवस्था मिलते ही कहते हैं कि सुग्रीव मैं और आप जैसे जीव है थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाए ना, यदि भंडारे में बहुत अच्छा बूंदी के लड्डू मिल जाए ना, तो उस दिन करनी तो थी गायत्री की माला, पर ऐसी नींद आती है कि 5 बजे तक आदमी हिलता ही नहीं है। सुविधा जब व्यक्ति को मिलती है ना तो आदमी भटक जाता है, सुग्रीव भी भटक गया। तब वैराग्य निधि लखन ने उसका प्रबोधन किया और सुग्रीव प्रभु के चरण में आया। 4 दल बनाए, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं के दल एक एक करके भगवान से प्रणाम करके यात्रा के लिए निकल रहे थे। जानकी जी की खोज के लिए दक्षिण दिशा में हनुमान जी महाराज यात्रा करने के लिए अंगद के नेतृत्व में, जामवान जी के नेतृत्व में निकल रहे थे। तब भगवान ने उनको एक प्रभु मुद्रिका दी और उस मुद्रिका को साथ लिए दक्षिण की यात्रा आरंभ हुई। तपस्विनी की गुहा में जाकर जलपान करके तपस्विनी के मार्गदर्शन से समुद्र के किनारे पहुंचे। जटायु के भाई से मिलना हुआ, उनकी दीर्घ दृष्टि से लंका में बैठी मां जानकी के बारे में खबर प्राप्त की। अंगद कहते हैं किष्किंधा को प्रणाम करके अब सुंदरकांड की ओर यात्रा ने आरंभ किया। तब कहते हैं कि अंगद कहता है कि मैं जा सकता हूं, पर चूंकि मुझे श्राप है कि रावण का बेटा यदि अक्षय मुझे देख ले तो शायद मैं वापस न आऊं। जामवान जी कहते हैं कि जब भगवान वामन विराट हुए थे तब उस विराट परमात्मा की मैंने 7 बार परिक्रमा की ली थी, इतनी ही देर में जितनी देर वो विराट रहे उतने में मैंने 7 बार 14 ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, पर अब क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। सब अपनी अपनी असमर्थता बता रहे थे, मुंह लटकाए समुद्र के किनारे बैठे थे। कहते हैं कि एक बार तो अंगद ने यहां तक कह दिया कि लगता है कि जानकी जी के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी खबर नहीं लेकर आ पाएंगे, तो यदि हम न जा पाए तो मैंने तो निर्णय कर लिया है कि इसी समुद्र में मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। जब इस प्रकार अंगद बोले तब जामवान जी हनुमान जी महाराज का जैसे एक सदगुरु अपने शिष्य का प्रबोधन करते हैं इस प्रकार प्रबोधन का आरंभ हुआ। और जैसे ही जामवान जी ने कहा कि हे हनुमान उठो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हे ज्ञानियों में अग्रगण्य, हे अतुलित बल के समूह, हे हनुमान उठो, आपके जैसे युवाओं को आज राम कार्य के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, आदि आदि। और जैसे ही जामवान जी ने हनुमान जी का प्रबोधन किया, हनुमान जी महाराज की भुजाएं फड़फड़ाने लगी, देह विशाल होने लगा और जामवान जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि प्रभु बताओ करना क्या है। जब भी एक युवान सफलता के लिए यात्रा के लिए आगे निकले तो चाहिए कि वो अपने गुरुजनों से अपनी यात्रा के विषय में जरूर पूछे। प्रणाम किया, अपने मित्रों को कहा कि मैं अभी गया अभी आया, आप यहां पर उपवास मत करना, फल फूल जो भी मिले
उसका भक्षण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहना। छलांग लगाकर जैसे ही निकले तो कहते हैं कि देवताओं के द्वारा प्रेरित सिंही का नाम के एक राक्षसी ने आकर हनुमान जी की परीक्षा ली, उसमें सफल हुए, हनुमान जी को वरदान मिला। वहां से थोड़े आगे गए, एक परछाई को पकड़कर गिराने वाला एक राक्षस आया, हनुमान जी ने उसका उद्धार करते हुए समुद्र के उस पार लंका में, लंका के प्रांगण में वो उतर गए। रात्रि का इंतजार करने लगे, छोटे से मच्छर जितना रूप धारण करके लंका में जैसे ही प्रवेश के लिए निकले और एक लंकिनी नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को रोका। लंकिनी को मुष्टिका का प्रहार करते हुए उसकी भ्रमित बुद्धि को स्थिर करके और लंका का प्रवेश सीधे पहुंचे विभीषण के द्वार पर। राम नाम का स्मरण सुनते ही हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धारण किया और वहां पर विभीषण से मिलना हुआ। विभीषण के द्वारा मार्ग प्राप्ते ही जानकी जी के पास पहुंच गए। रावण आया, रावण सताने लगा और रावण ने जब जानकी जी को सताया और वो वापस लौटा, अवसर देखकर माँ जानकी जी करुण विलाप कर रही थी, एक त्रिजटा नाम की राक्षसी से वो अंगारे लाने के लिए, अग्नि लाने के लिए बोल रही थी। तब त्रिजटा गई और प्रभु के भक्त परमहंस हनुमान जी महाराज ने अपने एक नए कार्य का आरंभ किया। मुद्रिका राम नाम की छोड़ी, मुद्रिका पाते ही थोड़ी देर के लिए सुख हुआ, हनुमान जी को बुलाया गया और हनुमान जी महाराज ने इस पूरे विश्व में पहली बार राम कथा का आयोजन अशोक वन में हुआ। श्रोता माँ जानकी जी स्वयं थी और वक्ता हमारे परमहंस हनुमान जी महाराज थे, जिनसे राम के गुण सुनने से मन को शांति मिलती हो तो समझना कि वो परमहंस है। परमहंस जब हमें परमात्मा का परिचय करवाते हैं तो वो परमात्मा हमें अपना सा लगने लगता है। इस प्रकार राम कथा हुई, अक्षय का विनाश और मेघनाद के साथ युद्ध, नागपास से बंधन, रावण की सभा में उपस्थिति, पूंछ पर आग लगाई गई, अनाथ की तरह लंका को जलाया, समुद्र में छलांग लगाकर पूंछ बुझाई, खोई श्रम धरिल रूप बहोरी, इस प्रकार करके तुरंत पहुंचे माँ जानकी के पास, प्रणाम किया, चूड़ा मणि उतारी, तब दयऊं हर्ष समेत एक परमात्मा की निशानी वो लेकर वहां से आगे गए, पहुंचे इस किनारे की ओर, मित्रों ने स्वागत किया, सुग्रीव के पास गए, राम जी से मिले और रघुनाथ जी ने उनको गले लगाया और परमहंस ने अपने परमहंसीय इस यात्रा का एक अध्याय यहां पर पूर्ण किया। सेना लेकर समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर की स्थापना, भगवान रामेश्वर का पूजन, सेतु का निर्माण और लंका में प्रवेश। अंगद को विष्टि के लिए भेजा, विष्टि असफल रही, युद्ध अनिवार्य हुआ और भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। आइए उस युद्ध कथा की ओर जाए। अभी भी जो 9 दिन की साधना के बाद भी हमारे भीतर जो एक रावण अभी भी जिंदा है, उस रावण को भी मुक्ति मिल जाए, परमहंस तत्व की ये यात्रा हमारी सार्थक हो जाए, एतदर्थ उस दिशा की ओर जाए, उससे पहले रामकृष्ण मिशन की ओर से कुछ कार्य है तो उसकी पहले चर्चा और उसके बाद हम कथा में अग्रसर होंगे। आइए स्वामी जी महाराज यहाँ आए, उससे पहले एक क्षण। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम
Krishna Hare, Jay Jay Ram 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 Krishna Hare, Jay Jay Ram. सज्जनों, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रारब्ध है कि भगवान रामकृष्ण देव की ही चरणों में बैठकर हमें ये परमहंस तत्व की यात्रा करने का अवसर मिला है। आगे का कार्यक्रम ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। तो सर्वप्रथम मैं इस राम कथा के व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य रामानुज जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा के आयोजन में पूरा मन प्राण द्वारा इस पूरे वातावरण को राममय कर दिया। तो ये आज ही मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि साधारणतया इस प्रकार की राम कथा में कोई धन्यवाद ज्ञापन का कोई समारोह नहीं होता, परंतु फिर भी ये जो हृदय के उद्गार होते हैं उसको व्यक्त करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। और मैं उन सभी भक्तजनों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कि इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन में पूरे तल्लीनता के साथ में इस कथा के साथ में योगदान दिया। और जैसे श्री राम कृष्णदेव भगवान श्री राम कृष्णदेव कहा करते थे कि भक्त का हृदय ये भगवान का बैठक खाना होता है, तो यदि अगर भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो भक्तों के होने से इस राम कथा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी स्मरणीय वंदनीय संत वृंदों को मेरा ओम नमो नारायणाय। उन्होंने भी आकर के इस भव्य आयोजन के अंदर कहते हैं कि इस पवित्रमयी कथा को और अधिक गरिमामय बनाया। उनकी उपस्थिति की वजह से हम लोगों को भी एक ऊर्जा प्राप्त हुई, उन सभी का धन्यवाद। और इस कथा के अंदर मुख्य विषय, जैसे कि आप लोगों ने मन में इस बात को देखा होगा, इस बात को चिन्हित किया होगा कि परमहंस तत्व के ऊपर ही उसको विषय लेकर के, उसको एक प्रमुख केंद्र विषय को लेकर के ये राम कथा की गई कि परमहंस स्थिति किसे कहते हैं। जब परमात्मा के साथ में किसी महापुरुष का संयोग होता है तो वो सर्वोत्तम स्थिति, सर्वोच्च स्थिति परमहंस स्थिति है। तो उस स्थिति को प्राप्त हनुमान जी महाराज और सभी पूर्णता प्राप्त भक्त वृंद, उस स्थिति को केंद्र में करते हुए श्री राम कथा का आयोजन किया गया। और इस कथा का आयोजन करने वाले और सभी कर्मचारी वर्ग, सभी संत वर्ग, सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी डॉक्टर नर्स सभी लोग, उन सभी लोगों का मैं एक हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आए और सेवाश्रम का कार्य भी चल रहा है, उस कार्य को भी अविरत उनका, उन सभी लोगों का भी धन्यवाद। और निश्चित तौर पर संगीत मंडली, जैसे कि व्यासपीठासीन रामानंद जी कहते थे कि सुर दीजिए, तो जो भी
अगर संगीत मंडली नहीं रहेगी तो सुर कैसे दिया जाएगा, और जब कैमरा नहीं रहेगा तब तो आजकल तो जैसे कहते हैं ना कि ना केवल हमको कोई चीज़ देखनी है वो सभी लोग भी देखें, इसके लिए कैमरा एक बहुत ही उच्चतर माध्यम है, सर्वोच्च माध्यम है। और मीडिया के लोग और एम्स के डॉक्टर, जिनकी वजह से अभी कुछ समय पहले ही एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था, मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सेवाश्रम आप सभी जानते हैं कि 120 से भी अधिक वर्षों से निरंतर सेवारत है, और इससे जुड़े हुए कितने भी महापुरुष लोग हुए हैं जिन्होंने कि जिनको कि कई लोग बाहर के संसार के साथ में किसी प्रकार का संपर्क न होने की वजह से उनको कोई जानता भी नहीं। तो अब उसके साथ में एक और सेवा कार्य यहाँ पर आरंभ हो गया है श्री राम कथा के रूप में। तो इस सेवा कार्य के द्वारा, इस राम कथा के द्वारा, इन सब के मिलने के द्वारा कि ना केवल शारीरिक तौर पर सेवा की जाएगी बल्कि एक आध्यात्मिक सेवा का भी एक नवीन प्रयास जो आरंभ हुआ है उस सब के लिए मैं एक विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और श्री राम कृष्ण देव एक जगह कहा करते थे, जो राम लक्ष्मण का बेटा वही राम घट घट में लेटा, मतलब जो राम को हम सगुण रूप से जानते हैं, जो कि दशरथ का बेटा है, वही राम हर जगह विराजमान है, और उसी राम की ही इस सेवाश्रम में सेवा की जा रही है, नर रूप में नारायण के रूप से इसकी सेवा की जा रही है। तो इस राम कथा के द्वारा उस सेवा कार्य में और अधिक तीव्रता प्राप्त होगी, इस सब के लिए मैं इस नवीन प्रयास को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम सभी लोग इस राम कथा के द्वारा निश्चित तौर पर बहुत ही संतुष्ट हुए हैं और चाहेंगे कि ये सब कार्य और भी अधिक हो और इसकी निरंतर और वृद्धि हो, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ओम नमस्कार। आइए एक मंत्र को गाते हैं। तापस क्षम दम दया निधान, तापस क्षम दम परमार्थ पथ परम सुजाना।
राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध, लक्ष्मण की मूर्छा और हनुमान जी महाराज के द्वारा औषधि लाकर मूर्छा से निवृत्त करके पुनः मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध, मेघनाद का उद्धार, कुंभकर्ण का उठना, कुंभकर्ण और प्रभु श्री राम का युद्ध, कुंभकर्ण समेत लंका के अनेक प्रसिद्ध राक्षसों का उद्धार करते हुए अंत में प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध आरंभ हुआ। रावण रथ लेकर आया, पैदल प्रभु श्री राम थे, तब कहते हैं कि देवताओं को चिंता हुई धर्म रथ की चर्चा करते हुए। परमात्मा ने सबको हिम्मत दी, किंतु देवराज इंद्र की विशेष इच्छा के पूर्ति करने के लिए प्रभु ने उस रथ को स्वीकार किया। दोनों रथ में हैं, युद्ध काफी दिनों से चल रहा है, पर यह युद्ध किसी निर्धार पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। मोह दश मौली, मोह के साथ जब एक साधक अपनी साधना से लड़ने खड़ा होता है तो मोह इतनी आसानी से थोड़े ही मरता है। दस मस्तक के लिए दस, बीस भुजाओं के लिए बीस, एक साथ तीस तीस बाण, अनेकों बार आहत करते हुए भी कहते हैं कि उस पूरे प्रांगण में जहां नजर करो वहां केवल रावण के मस्तक और रावण की भुजाएं बिखरी पड़ी है। योगिनी, भूत प्रेत पिशाच, उसमें जिनकी जिन राक्षसों की मृत्यु हुई है उनकी अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में धारण करके वो नृत्य कर रही है, ऐसा भयंकर दृश्य। एक बार तो रावण विभीषण को जब मारने के लिए दौड़ा तब कहते हैं कि अब प्रभु ने रावण के साथ खेलना बंद कर उसके उद्धार का निर्णय किया। उधर मां जानकी जी चिंता मग्न, इधर सारे देवता आकाश में मंडरा रहे थे। देवता यक्ष नाग किन्नर गंधर्व अपने अपने विमानों में चारों ओर उस युद्ध भूमि की ओर खड़े थे कि कब रावण की मृत्यु हो और कब प्रभु श्री राम का विजय हो और कब हम पुष्प वृष्टि करके उनका सत्कार करें। सब एकदम तैयार थे, एकदम अंतिम युद्ध की तैयारी जब चल रही थी तब विभीषण ने प्रभु श्री राम का मार्गदर्शन किया कि प्रभु क्या बात है, इतने दिन से ये खेल रहा है और आप उस पर प्रहार नहीं करते हैं। बोले मैं प्रहार तो तब कर पाऊ ना, क्योंकि जब तक हृदय में बाण न लगे तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। तो बोले 31 तीर क्यों नहीं चलाते हो। तब भगवान राम ने कहा कि 31 तीर तो मैं चलाऊं पर इसके हृदय में जानकी जो बैठी है, यदि मेरा तीर चले तो रावण के साथ जानकी का भी नुकसान हो सकता है। बोले क्या उपाय। बोले रावण की नाभि में अमृत है। और प्रभु श्री राम मुस्कुराए, दिशाएं डोलने लगी, आकाश में भूत प्रेत पिशाच लहू का पान करते हुए, गले में अंतड़ियों की माला लेते हुए, जैसे कि मानो पूरा ब्रह्मांड तांडव करने लगा, आकाश में थरथराए देवता प्रभु श्री राम के विजय
उस समय प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए 32 बाणों का एक साथ अनुसंधान किया। पहला उसकी नाभि में अमृत को सोचते हुए 10 मस्तकों के लिए, 20 भुजाओं के लिए और 31वें बाण ने देखते ही देखते रावण के हृदय को बेधते हुए रावण का उद्धार किया। चारों ओर भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि करते हुए सबने जय घोष किया। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय। देवता स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शिव जी आए उन्होंने स्तुति की, महाराजा दशरथ मिलने आए और लखन स्वयं लंका में गए। विभीषण का राज तिलक हुआ। राज तिलक होते ही सीधा पहुंचा अपने वैभव को लेकर प्रभु के चरणों में। भगवान ने जानकी जी को लाने का आदेश दिया। कुछ राक्षस कन्याएं, उन्होंने जानकी जी का स्नान कराया, जानकी जी के वस्त्र बदले और जानकी जी को लेकर आए। कहते हैं कि वो शिविका में बैठकर आ रही थी तो भगवान ने उनको चलकर आने के लिए कहा ताकि ये जो वानर युद्ध में साथ दे रहे थे वो भी मां का दर्शन कर सके। मां का दर्शन करके सब कृतकृत्य हुए। तब परमात्मा ने जानकी जी को रोका, बोला तो ये गया कि अग्नि परीक्षा होगी। कुछ लोगों को तो है ना सन मार्ग में से बस केवल विवादों को पैदा करना है। बोला यही गया कि अग्नि परीक्षा होगी। पर आप राम कथा को भली भांति जानते हैं। जब दंडकारण्य में प्रभु निवास कर रहे थे एक दिन लखनलाल यज्ञ काष्ठ लेने के लिए जंगल में गए थे। यहां पर प्रभु श्री राम यज्ञ कर रहे थे, जानकी जी उनके बगल में बैठी थी। उसी समय प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने जानकी जी को कहा था कि देवी अब नर लीला करने का समय आ गया है। बोले क्या आज्ञा है आपकी? बोले देवी अब प्रत्यक्ष रूप से अब आपको मेरे साथ नहीं चलना है, केवल माया रूप से आपको चलना है। भगवान यज्ञ नारायण का आवाहन हुआ, स्वयं भगवान यज्ञ नारायण आए और प्रत्यक्ष जानकी अग्नि में समा गई और एक माया रूपी देह भगवान राम के साथ रहा। ये राज लक्ष्मण को पता न चला तो बाकी और किसी को कैसे पता चलता? क्या ताकत थी उस रावण की कि जग भगवती पराम्बा मां जानकी के नजदीक भी आ सके? हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात, पर चूंकि माया जानकी थी तो रावण उसका हाथ पकड़कर उसका अपहरण करके ले जा सका था। वो जो माया सीता थी अभी तक अशोक वन में, अब अयोध्या जाने की तैयारी चल रही थी, तो अब माया सीता का क्या काम? अब तो प्रत्यक्ष मां जानकी की आवश्यकता थी। तो उस जानकी जी को बुलाने के लिए पुष्पक से यात्रा आरंभ करने से पहले यज्ञ नारायण को बुलाना आवश्यक था। और उस समय यदि प्रभु श्री राम ये कहते कि अब मैं यज्ञ करूंगा तो थोड़ा अटपटा लगता। कैसा लगे कि कोई मिलने आया है, सामने ही खड़ा है, बस ये सीढ़ियां चढ़े इतनी देर और हम फिर यज्ञ करके बैठ जाए कि बस अब मैं यज्ञ करूंगा थोड़ी देर रुक, ऐसा थोड़ी होता है। तो बोले यज्ञ परीक्षा होगी। अग्नि प्रज्वलित करी गई, स्वयं भगवान यज्ञ नारायण उस अग्नि में प्रवेश करके आए और जिस मां जानकी को अपने साथ लेकर गए थे उस मां को प्रभु श्री राम को लौटाया गया। यह है अग्नि परीक्षा के विषय में सच्चाई। ऐसी कोई परीक्षा हुई नहीं थी। जो जानकी यज्ञ को दी थी उसी जानकी को अग्नि से वापस लिया गया। पुष्पक में बैठे
सीधे उसी मार्ग से होते होते प्रयागराज तीर्थ, वहां से हनुमान जी को भरतलाल जी के पास भेजा और प्रभु की यात्रा उसी गंगा के किनारे केवट के पास केवट के मनोरथ को पूर्ण करते हुए प्रभु पहुंचे अयोध्या के द्वार पर। प्रभु श्री का स्वागत हुआ और भगवान का स्वागत करके तुरंत मुहूर्त निकाला गया। राज सिंहासन पर भगवान श्री राम और जानकी जी विराजमान हुए। जैसे ही वो विराजमान हुए तो कहते हैं कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवतागण, वो सब ने आकर भगवान की स्तुति की। आइए हम भी उसी परमहंस प्रभु की एक बार स्तुति करके हम इस कथा की विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। अंतिम बार इस मंत्र को गा लेते हैं। तापस शम दम दया निधान, तापस शम दम दया कांड की भी दिव्य कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनाया। सज्जनों, कथा अनेक प्रकार की होती है। शास्त्र कथा जैसा लिखा है पढ़ते चले जाओ, बस उसी में आनंद की प्राप्ति करो। एक होती है भाव कथा, जिस ग्रंथ की शरण में बैठे हैं उसी ग्रंथ से किसी सिद्धांत सूत्र को लेकर एक भावपूर्ण आप एक अंतर यात्रा कर लो। भाव कथा जो यहाँ 9 दिन तक चली। फिर एक कथा होती है बोध कथा, जिसमें उस शास्त्र के कुछ चिन्हित प्रसंगों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करके उस शास्त्र को प्रणाम किया जाता है। ऐसे कथा के अनेक प्रकार हैं। मैंने भगवान रामकृष्ण देव के चरणों में बैठकर भाव कथा के रीत को अपनाने का संकल्प किया था। सज्जनों, मैं हृदय से पूज्यपाद स्वामी दयादीपानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने सतत हमारे साथ रहकर हमें यहां आने के लिए
हमें यहाँ रहने के लिए प्रेरित करते रहे। जैसे कोई ब्रिज होता है ना, स्वामी दया दीपानंद जी हम सब साधकों के लिए और इस मठ के लिए दोनों के बीच में एक ब्रिज बनकर रहे, उसी ब्रिज से होकर हम इस मठ में प्रवेश कर सके। मैं प्रणाम करता हूं उन पावन चरणों को, स्वामी नित्य शुद्धानंद जी महाराज को, कि जिन्होंने पहली बार मुझे इसी स्थान पर बैठकर 3 दिन के लिए एक हनुमान जी के विषय में गीत गाने का अवसर दिया था। और विशेष रूप से मैं सदा ऋणी रहूंगा पूज्यपाद स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज का, जिन्होंने 1-2 दिन नहीं 9-9 दिन तक मुझे आपके साथ बैठकर भगवान रामकृष्ण देव की इस परमहंसमय व्याख्या को करने का और उस व्याख्या में जीने का, उस व्याख्या में मुझे यात्रा करने का आपने अवसर दिया। सच यह है कि इस भाव कथा के रिवाज से देखे तो न तो मैं ठीक से शास्त्र को आपके सामने रख पाया, क्योंकि उतना समय नहीं बचता था, और मेरे अज्ञान, मेरी अल्प बुद्धि, मेरी जड़ता, उसके कारण सच ये है कि न तो मैं ठीक से परमहंस तत्व की भी व्याख्या कर पाया। ये आप सब लोगों की बड़ाई है, ये इन पूज्य चरणों की ये महानता है कि उसके बावजूद भी रोज जैसे माँ अपने छोटे से शिशु का हौसला बढ़ाती है, अरे बेटा बहुत अच्छा, और जैसे बच्चा चढ़ जाता है, बस ऐसा ही आप लोग 9 दिन तक मेरे साथ करते रहे। और इसी उत्साह में मैं भी भगवान के गीत गा सका। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिस ईश्वर की हम कथा गा रहे हैं उस कथा का तो कभी विराम संभव ही नहीं है। हमारी मर्यादा यहां पूर्ण होती है। अब आगे संसार के इस कथा यात्रा के किसी और नए घाट पर हमारी यह यात्रा आरंभ होगी, पुनः इस परमात्मा को इसी प्रकार गाएंगे। और ये कथा तो कभी विराम ले ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा तो समुद्र के समान है, परमहंस का चरित्र तो समुद्र के समान है। कभी आप द्वारिका जाओ, अपने साथ एक सुई लेकर जाओ, उस सुई को समुद्र के जल में डुबा दो, 3 बार सुई को ऐसे झटक दो, उसके बाद सुई की नोक पर जितना समुद्र का जल बचे, अपार इस राम गुण गाथा रूपी समुद्र की मैंने केवल इतनी सी बात रख पाया जितनी उस सुई की नोक पर समुद्र का जल बचता है। सज्जनों, बहुत सारे युवान भी यहां आए, उन युवानों के लिए, भविष्य में आपकी सफलता के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। जो उम्र में मेरे से बड़े प्रबुद्ध लोग इस कथा में आए, जिन पूज्य चरणों ने अपना कीमती समय यहां पर मेरे साथ बिताया, उन आप सभी महानुभावों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस 9 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान जो भी सिद्धांत, जो भी बात आपके हृदय तक जा सकी हो, जिन सिद्धांतों ने
नए जीवन की ओर, नई साधना की ओर, उस परम पथ की ओर चलने के लिए आपको प्रेरणा दी हो, वो सारी बातें, वो सारे शब्द मेरी गुरु परंपरा से जो मुझे मिला, वो मैंने आपको प्रसाद के रूप में पहुंचाने का बस प्रयत्न किया है। उन बातों में से एक भी मेरी बात नहीं थी कि जिसका मैं श्रेय ले सकूं, पर हां, मैं जड़ बुद्धि जरूर हूं, क्योंकि मैं खुद को अच्छे से जानता हूं। और जड़ बुद्धि होने के नाते यदि यहां से कोई ऐसी बात मेरे से हो गई हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं आप सभी महानुभावों से करबद्ध होकर क्षमा चाहता हूं। कृपा करना, जब भी एक कथा याद आए, आप जहां हो बस एक बार मुस्कुरा देना। जब आप मुस्कुराओगे तो मैं समझूंगा कि मेरी ये यात्रा आप सबके साथ उस परमहंस के चरणों की ओर हो रही है। एक दिन कोई बात चल रही थी कि भाई कथा होती है तो सबका मन होता है कि भाई कुछ न कुछ देना, पता नहीं ऐसा एक रिवाज है। सज्जनों, आपका भी शायद मन होगा, इसलिए बातें हुई होगी। मुस्कुराते रहना, बस आपकी इतनी दक्षिणा इस व्यासपीठ के लिए बहुत होगी। और भगवान सदा सर्वदा आपके चेहरे पर यही मुस्कुराहट बनाए रखे, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। फिर भी यदि आपका मन हो कि नहीं हम कुछ द्रव्य तो दे ही दे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मंगला माता जी और भी बहुत बड़े बड़े लोग, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कटिबद्ध हुआ है। पहला, यहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं, उनकी जांच करवानी होती है, तो यहाँ आसपास में भी किसी के पास एमआरआई मशीन नहीं है, उससे उन बीमार लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। इन संतों की करुणा है कि उन्होंने तय किया कि उनकी सुविधा के लिए एक यहाँ पर एमआरआई मशीन लगाई जाए, एक कार्डिक डिपार्टमेंट यहाँ चालू किया जाए। तो आपकी जो भी द्रव्यमय इच्छा हो इस व्यासपीठ की ओर देने के लिए, या विज्ञान के माध्यम से भी अपने अपने घर पर बैठकर जो आप लोग कथा सुनते हो, तकरीबन एक एमआरआई मशीन का ही खर्चा 9 से 10 करोड़ का होगा, पूरा तैयार करके यहां लगाने के लिए, तो बहुत बड़ी धनराशि है। ऐसे सब साधु इतनी बड़ी धनराशि तो कहां से लेकर आएंगे। पूज्यपाद स्वामी ललितानंद जी पहले दिन से लगे हैं कि इस दिशा में रामकृष्ण मिशन की ये जो हॉस्पिटल है उसकी कुछ हमारी सेवा हो जाए, और बड़ी तन्मयता से वो इस कार्य के लिए लगे रहे, और आपकी उस मेहनत से जरूर एक दिन ये काम होगा। पर पता है, जब भगवान राम लंका की ओर जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पर्वत उठा उठा कर वो ला रहे थे और अपनी अपनी ओर से उस सेतु में वो लगा रहे थे, उस समय एक छोटी सी गिलहरी, उसने सोचा कि सारी दुनिया भगवान की सेवा करती है तो मैं अकेली कैसे रह जाऊं, उसको कुछ न सूझा, वो बड़ा पर्वत कैसे उठाकर ला सकती थी। मंगला माता जी है और जो भी बड़े संपन्न लोग है, जो सेवाभावी लोग है, वो जरूर बहुत बड़ी सेवा करेंगे रामकृष्ण मिशन की और इस सेवाश्रम में। पर जिन लोगों ने भी मेरी कथा सुनी है, 1 रुपये से लेकर 1.25 करोड़ तक, भगवान ने आपको जितनी शक्ति दी हो, सीधे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हरिद्वार के बैंक अकाउंट में भेज देना। आपके द्वारा दिया गया ये दक्षिणा का द्रव्य अनेक बाधाओं से पीड़ित रोगग्रस्त लोगों को सुखी होने में, उस यज्ञ में वो आपका द्रव्य काम लगेगा, तो आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बार बार किसी गली में किसी घाट पर, और कोई घाट न मिले तो मिशन के ही इस प्रांगण में पुनः मुझे इसी प्रकार कथा करने का ये अवसर मिलता रहे। इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म तक हम सब लोग इसी प्रकार भगवान की कथा के माध्यम से एक दूसरे को मिलते रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए एक क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय। और आज चुकी कथा का विराम का दिवस है, तो कृपया थोड़ी देर के लिए अपने आसन पे ही बैठकर आरती और वो जो भी सब हो उसका पूरा आनंद लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्षण के लिए हरि नाम आश्रय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, 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 श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विट्ठल गिरधारी श्रीरामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री द्वारिका धीश की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर,
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पते हर